Hi guys, welcome back to another live stream. हाँ बहुत जल्दी आ गया यार, मैं लेट हो रहा था, मैं सोचा जल्दी स्ट्रीम स्टार्ट कर लेते हैं ऑन टाइम. क्या कर रहा था मैं? हाय पंकज. ओह ओके. हेलो रतिकांत, मुझे पढ़ने में टाइम लग गया बहुत दिन बाद. हाँ यार, आजकल आ नहीं पाता मैं, बहुत दिनों बाद आया हूँ. पंकज फर्स्ट. फॉन्ट बड़ा कर लो इसका, 1 मिनट प्लस. स्नोलर साइज है इसका, आई थिंक 38 GB है, 38 GB, नॉट श्योर, इतना ही है शायद. स्लैब एक ही चाहिए और एक ओवरसाइज्ड कार्गो चाहिए. स्लैब तो इसी में ले जाते हैं, मैं दूसरे ट्रक में लेके जाने वाला था एक्चुअली. अगर मैं मॉर्निंग कर दूं इट्स नॉट सो बैड. जो डाउनलोड ना कर सके वो गेम्स बताओ. हैं? वेट, बैठ गया क्या मेरा? कि फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं बस. पता नहीं. अच्छा नेट तो सही है. ये कौन क्या हो रहा है? ये फ्रेम क्यों ड्रॉप हो रहे हैं? FPS ही ड्रॉप हो रहा है. रुको, कुछ चल रहा है यहाँ तो बैकग्राउंड में. वेट, लेट मी एग्जिट अदर एप्स. स्ट्रीम नहीं चाहिए, वर्जन नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए. लेट मी चेक. हाँ नहीं चाहिए. बैकग्राउंड एप्स एंड कर रहा हूँ. मेरे को डिस्कॉर्ड भी नहीं चाहिए फिलहाल तो. ये क्या कर रहा है? नाइस. ओके लेट्स सी, अब देखते हैं. इसका अपडेट आया गेम का, उसके बाद से हो रहा है. गेम की फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं भाई. व्हाट? आज अपडेट आया था इसका, बग फिक्सेस कुछ तो. ये कम कर देता हूँ. टेक्स्ट कर देते हैं. लेट मी सी अगर ड्रॉप हो रहा है. अभी पीसी स्पेक्स डिस्क्रिप्शन में है. अब नहीं होंगे होपफुली। वही तो बता रहा, नेट की वजह से नहीं था वो, पीसी की वजह से था समहाउ। अब नहीं हो रहा, इट्स फाइन। यहाँ से एक ओवरसाइज्ड कार्गो जाएगा, उसमें दिक्कत आएगी थोड़ी। हाय बीस्ट, खराब हो गया था शायद इसका। अगर किसी का डिस्कॉर्ड पे फ्रेम ड्रॉप हो रहा है तो वो क्या करे? डिस्कॉर्ड पे फ्रेम ड्रॉप, वो अपने काम से काम रखे। डिस्कॉर्ड पे क्या करना तुम्हें? You tricked me. You tricked me. ध्यान से पढ़ो। You tricked me. उसके लिए पहले सब चैनल्स पे जाके मॉड बनो, फिर मैं तुम्हें स्ट्रीम के बाद बताऊंगा। क्योंकि सॉरी पीस, मैं ये स्ट्रीम पे जवाब तुम्हें तो कभी भी स्ट्रीम पे जवाब दे ही नहीं सकता मैं। तो आप बहुत अच्छे हैं मुझे, मेरे पास बोला इतने अच्छे हैं कि हंसते हंसते दांत दर्द होने लग गए मेरे, लगता है चेक करवाने पड़ेगी। हाय सुपरनोवा शॉट्स, हाय सुपरनोवा, हाउ आर यू सुपरनोवा, हाय हनी सिंह। यार ऑल व्हील ड्राइव लगाना पड़ेगा फिर। हाय अभिषेक, सॉरी अभी। भाई मारिन ट्रा ट्रक भाई, कभी कभी तो मन करता है सिमुलेशन स्ट्रीमर ही बन जाओ। इंडिया में और कोई इतना करता नहीं है सिमुलेशन स्ट्रीम्स, सिमुलेशन गेम स्ट्रीम्स जो भी है। अभिषेक मेरा दोस्त होता था एक अभिषेक, उसका नाम रखा हुआ था मैंने नौशेक फ़ोन में। ये एक ही इंसान मुझे सही मिला है, मतलब अभिषेक नाम का। बाकी ओहो हो कंधा नो हाथ लगाते बाकी आने था। हनी सिंह को समझ आ गया होगा और सुपरनोवा को। क्या हो गया, मूड खराब हो गया? हेलो भाई साहब, हेलो। इतना बढ़िया ट्रक है यार, क्या रिक्वायरमेंट है? डिफरेंशियल लॉक, चिचे चिचे चिचे। हेलो हेलो, ओ धक्का चाहिए था एक, एक और धक्का, धक्के पे धक्का। इतने थके क्यों मांग रहा आज ये? आई थिंक आई नो भाई, धक्का तो तुम्हें देगी ही सरताज। तुम्हारे साथ धक्का कर गई वो हैशटैग, फिर तुम्हारा तो तुम मीटू बनता भाई। क्या बोला? I've had bad experiences with people named Abhishek ऐसा। वैसा महाराज कोऑप खेलने का मन है? महाराज आ जाओ खेल लेते हैं। कल भी मैं विशाल के साथ खेलने वाला था बट देन उसका कनेक्ट नहीं हो रहा था। इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट योर्स, तुम अपना लगा लो प्रोफाइल, आई विल जॉइन, आई विल हेल्प यू विद थिंग्स, क्योंकि मैं अपने मिशंस खुद ही करने वाला हूँ सारे। I want to end this game alone. बताओ महाराज। वधिया सरताज, तुसी दसो कितना? बाकी पता नहीं तुक थक लाने वाली कोई गल करते हैं, पता नहीं कि बींग ह्यूमन ना बींग की बींग इंडियन वो वीडियो डालता है क्या आजकल? बिंग इंडियन मैंने देखा नहीं, काफ़ी देर से रिकमेंड नहीं हुआ मुझे। उसका डायलॉग था कुछ तो फनी, पंजाबीज ऑन फोन वीडियो पे। इतना क्यों फंस रहा है ये आज? That's what she said. मैं आज भी वही टी शर्ट डालने वाला था कि मुझे बहुत पसंद है बट आई वाज लाइक कि नहीं, ये स्पेशल ओकेजन पे ही डालनी चाहिए। मैंने इवेंट पे डाली है 2-3 बार और कल डाली, उसके वैसे नहीं डालता वो टी शर्ट। ठीक है भाई, दूसरा मैप स्टार्ट कर लेते हैं। इफ़ यू वांट टू कंप्लीट दिस वन बाय योरसेल्फ, इट्स नॉट अबाउट द मैप। मैं ये स्टार्टिंग से अकेला ही खेल रहा हूँ। वी कैन स्टार्ट अनदर प्रोफाइल, स्टार्टिंग से कर सकते हैं या फिर तुम्हारी प्रोफाइल कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये वाला मुश्किल है। मुझे सारे मिशंस खुद ही करने हैं। जस्ट एक मन की इच्छा थी कि एक गेम मैं खुद से ख़त्म करूं एंड आई हैव नेवर डन दैट इन एनी गेम। बेयरली मैंने एक आध गेम कंप्लीट की होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाय अनमोल, मेरे को भी चाहिए यार, कहाँ से लिए? अच्छा टी शर्ट, मैं क्यों बताऊँ, तुम्हारे पास भी सेम होगी फिर। ओके, ओवरसाइज्ड कार्गो इसमें तो नहीं आएगा, तो इसको हम सीधा रिकवर कर देते हैं विच विल सेव टाइम। ओवरसाइज्ड कार्गो आएगा इस ट्रक में, ठीक है? ये जो ट्रक बाहर खड़ा है। टी शर्ट आई नो, मैं सोच रहा हूँ कि गेम का पूछ रहा है। कैसे अनमोल? अनमोल उसका पता क्या सीन था पेटीएम का? मर्चेंट के लिए अलग से ऐप है पेटीएम की, वो डाल के आई हैड टू एक्सेप्ट इट कि हाँ चाहिए मुझे ये, तुम अपने आप पास मत रखो ऐसा कुछ, पता नहीं एक्सेप्ट पेमेंट का था। एंड जब सेकंड आई ना तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी भी बैंक में ट्रांसफ़र हुए नहीं है। कोई करोड़पति नहीं हूँ मैं बट स्टिल मुझे रियलाइज़ बाद में हुआ कि ट्रांसफ़र तो अभी भी नहीं हुआ है। तो फिर मैंने वो ऐप डाली, फिर एक्सेप्ट किया, उसमें बैंक डिटेल आ चुकी थी ऑलरेडी बट मुझे बस सिलेक्ट करना था, देन आई कुड रिसीव इट। पेटीएम फॉर बिजनेस, यस आई डू, इट फील्स गुड व्हेन यू कंप्लीट अ बैटल, पास ऑफ अ गेम और कंप्लीट अ गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। वही ओवरसाइज्ड बंदों की भी मिल जाती है ना। वेट, आर यू फैट भैया? इफ़ यू आर फैट और तुम मुझे पे फैट जोक्स मारते हो, तुम्हारी तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। मैंने रिकवर इसलिए किया क्योंकि यही गराज में से मुझे सामान मिलेगा। तुमने ओवरसाइज बोला फिर? ओके, तुम पतले हो यार, तुम किसी और के लिए लेना चाहते हो। इतना सैपर फॉर एफ पेटीएम नेक्स्ट टाइम जी पे। अरे नहीं, अब हो गया वो, इट वाज नेसेसरी बोल सकते हो, बिकॉज मैंने ही गलती की थी टू बी ऑनेस्ट। गलती ये थी कि मैंने मर्चेंट अकाउंट में कन्वर्ट किया था इफ़ दैट्स व्हाट इट इज़, और उसका प्रोसीजर आगे का मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया, ना मैंने किसी को पूछा था कि उसका डिफरेंट ऐप होता है। तो अभी वो सीधा बैंक अकाउंट में ही जाता जो भी आता है। इस गेम च प्लेन्स की बड़ी आवाज़ आई, प्लेन्स दिखते नहीं उठते हुए कभी, जस्ट स्मॉल रेलेवेंट डिटेल बट आई लाइक नोटिसिंग दीज। वेल मैंने तो कभी नहीं देखे, पंछी दिखते हैं बट आई डोंट थिंक सो प्लेन दिखते, मैंने कभी नहीं देखे, आवाज़ सुनी है बट दिखते नहीं है, दैट्स इट। यार इसमें ना एक बहुत बुरी चीज़ है गेम में, बुरी चीज़ ये है कि वो चीज़ है नहीं, एंड दैट इज़ फोटो मोड। इसमें फोटो मोड नहीं है यार। कोडेक्स में क्या है तो सिखाया हुआ क्या कुछ कर सकते हो, वीडियो, इसमें फोटो मोड नहीं है यार। लेगेसी कैमरा क्या है, ऑन किया मैंने। हाय नवजोत अत्रकाल, तुम्हारे जितना नहीं, बस लॉकडाउन में टमी भर आया थोड़ा। आपके मेरे पास तो ऑलरेडी है ना टी शर्ट, मेरे लिए क्यों बोलेगा। पेटीएम बिजनेस और वॉट, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, प्लेन्स की आवाज़ सुनती है बट दिखते नहीं। अरे वो कैमोफ्लाज हो जाता है ना स्मार्ट के साथ, ब्लू कलर के आते हैं मे बी। लेगेसी सीजन 3 है उसमें, व्हाट ओके आई डोंट नो कि वो लेगेसी कैमरा क्या है बट आई थिंक इट्स समथिंग गुड। ओह आई थिंक यही था वो। वेट लेट मी चेक, कुछ तो सीन है इसका कैमरे का। आई थिंक जिस तरफ मैं टर्न करूंगा उस तरफ को कैमरा आ जाएगा ये। अब मैं ये मे बी उस पर चल जाएगा, गेम चल जाएगा उसके। i5 3400 की है ना, चल जाएगा उसको। आई डोंट नो मच अबाउट दिस लेगेसी कैमरा, आई डोंट नो क्या है वो, बाय द वे वो चल जाएगा गेम। क्या है ये लेगेसी कैमरा, मुझे समझ ही नहीं आया अभी तक। आई विल टर्न इट ऑफ। प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन टू मूव योर थर्ड पर्सन कैमरा लाइक गुड ओल्ड डेज आर बैक। प्लीज इट्स अ बीटा फीचर, ओके गॉट इट। We are good to go, friends. TPP thing, I think. TPP तो यही है, but वो legacy camera से क्या हो रहा था? I could go right and left. जैसे suppose balloon के साथ camera बांधा हुआ कि वो मैं इतना ही area में लेके जा सकता हूँ, but वो बांधा हुआ truck के साथ ऐसे move कर रहा था वो। मुझे बस ये डर है कि ये पलट ना जाए। ओके, मैं इस तरफ क्यों जा रहा हूँ मैं ये बता देता हूँ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो यहाँ पे एक मोड़ आता है, ये मुझे जाना कहाँ है पहले वो बता देता हूँ। मुझे जाना है ब्रोकन पियर पे, ठीक है। और यहाँ से जाता हूँ तो ये जो मोड है ना, यहाँ पे ट्रक टर्न नहीं करेगा, अगर टर्न कर भी गया तो ये ट्रक ऊपर नहीं चढ़ेगा, इतनी पावर उस ट्रक में नहीं है। मुझे एक और ट्रक आगे लगाना पड़ेगा, अगर टर्न कर गया तो फिर यहाँ पे बहुत मड है, ये फंसेगा धंसेगा जैसे दूसरा ट्रक धंस रहा था। तो आई हैव ओनली ऑप्शन कि मैं ये रोड से जाऊँ, विच इज़ नॉट सो गुड बट ओनली ऑप्शन। तो हम पूरा सीधा ही चले जाएंगे एंड तक। That's what she said. क्या लिखा था अनमोल? बट पलटने के इसके बहुत चांसेस है, सो आई हैव टू बी केयरफुल एंड आई हैव टू कीप दिस ऑन प्लस लो एंड डिफरेंशियल लॉक ऑन, क्योंकि ये बहुत जल्दी धंस जाता है और रुक जाता है ट्रक। तो एक फ्लो में तभी रहेगा अगर मैं डिफरेंशियल लॉक ऑन रखूँगा और ऊपर से प्लस वाला गियर में रखूँगा। मुझे एक ही फ्लो में करना पड़ेगा भाई, जहाँ रुकूंगा ना यहाँ वहीं दिक्कत देगा ये। हम ये देखो, हाँ इट्स गोना बी अ पेन इन दी आर्स। इस पर नहीं होगा यार, आई शुड टेक अनदर ट्रक। क्या कहते हो, इसी पे करूँ कि दूसरे पे करूँ? आई कैन डू वन थिंग, मैं ऊपर से लेके जा सकता हूँ, क्योंकि लेट मी चेक मैप में ना, यही जो मोड है वो ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ से ऊपर से लेके जा सकता था, ठीक है, और आगे ट्रक। आई वाज वंडरिंग व्हाई यू हैव चेंज ऑन द टायर। चेन्स इसलिए क्योंकि वो स्नो वाले टायर है एक्चुअली, बट आई हैव नोटिस कि वो चेन्स मड में भी अच्छा ही काम करते हैं। आई विल शो यू। देखो टायर जो ऑफ रोड है इनमें चेन तो नहीं है, बट ये देखो ऑन रोड एवरेज, ऑफ रोड एक्सेलेंट एंड मड पे गुड। ठीक है, मड टायर्स मड पे एक्सेलेंट है, बट चेंड टायर्स भी मड पे, ओ इसका गुड आ रहा है, बट बाकियों का एक्सेलेंट ही आता है, इसका गुड आ रहा है। आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट मोस्टली ट्रक्स का मड पे, मड और आइस पे सेम होता है चेंड टायर्स का। तो ओके अच्छा किया तुमने पूछ लिया। आई कैन शो यू, मतलब बाकी ट्रक्स पे आता है, जैसे कि जो मैं पहले चलाता था। बाकी बिक गए क्या? अच्छा कुछ बाहर हैं, जैसे इसका होगा मे बी, लेट मी चेक। मड पे एक्सीलेंट, इस पर गुड आ रहा है, मे बी दे चेंज, क्योंकि इसीलिए मैं चेन सब पे चला के रख रहा था क्योंकि सेम ही था। मे बी इन्होंने चेंज कर दिया अपडेट्स में, तो मैंने सब पे ये इसमें देखो ना, सब पे मोस्टली यही थे। जो जैसे ये है इसमें चेंज शायद नहीं आता अब, या लॉक्ड था क्या था, हाँ आता नहीं इसमें कुछ और, बट मोस्टली रीज़न यही था क्योंकि पहले सब सेम था। एनीवे एक बार और ट्राई कर लेते। चलो देयर वाज अ सटल, देयर वाज एक्सेप्ट, देखो वो ऐसा था कि जिसको समझ आ गया ठीक है, जिसको नहीं समझ आया इट्स ओके, आई हैव टू बी सेफ। बच्चे भी देखते हैं। So I think these tires might help, क्योंकि पता नहीं फीलिंग से आ रही है कि ये टायर चेंज करने से कुछ बात बननी चाहिए। For some reason ट्रक धंस रहा है बट उसके बाद चल रहा है। अभी पता चल जाएगा कितना फर्क है। चलो स्ट्रीम की तैयारी हो चुकी है, एक कैन पी चुके हैं, ऐसे दो न्यू गेम्स पता चली that I want to try. Tell me why and Phantasmophobia. Okay, मैंने काफ़ी लोगों को खेलते देखा है वो, but I don't try horror games, so I'm sorry. Hi Pikachu. Okay. इसका सस्पेंशन भी है ना शायद, रेस्ड मैंने रेस्ड डाला हुआ शायद, उसकी वजह से भी पलट सकता है। स्लो ही लेके जाते हैं। मैं पावर गेमिंग भी कर सकता हूँ बट ये ट्रक बना इस चीज़ के लिए, तो आई थिंक आई शुड टेक दिस वन। मैं यहाँ से बोल रहा था कि मैं ऊपर से ही ले जाऊँ पहले ही, बट आई डोंट थिंक सो। लेट मी चेक। पहले तो डिफरेंशियल लॉक लगाते हैं ताकि ट्रक चलने लायक हो। पलटा क्यों था? क्योंकि मैंने टच कर दिया था और अच्छे से टर्न नहीं किया था। ठीक है, पत्थर को टच कर दिया था मैंने, तो हम प्रॉपर टर्न लेंगे इस बार, बैक वैक करके अच्छे से पूरा। कर ले ऑटोमेटिकली बैक, नहीं करेगा ना। अब टू पुट टू ऑटोमेटिक। चलो अब मोस्टली हो जाना चाहिए, इट शुड बी फाइन। हाई नहीं, लो, डिफरेंशियल लॉक। शुड बी फाइन। ओके इस टाइम पे तुम ये करते हो, खींचते हो और आगे चलते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो दिस। बच गया मैं, लिटरली बच गया। रियल लाइफ में ना बचता क्योंकि ट्रक सीधा ही ना होता इतनी जल्दी, तो टाइम लगता मतलब वेंट्स वगैरह लगाने में। बहुत मुश्किल है ये ट्रक, ओवरसाइज ट्रक कार्गो डाल के ना, एक तो हैवी हो जाता है ट्रक, अच्छे से चलता नहीं है बदन। ठीक है, इट्स फन टू ड्राइव। एक गलती मैंने की हुई है बट आई वांट टू गो लाइक दैट ओनली। मेरा सस्पेंशन बहुत रेज्ड है जिसकी वजह से इजीली पलट रहा है। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग कि वो रेज्ड है ऑलरेडी, मे बी इससे ज़्यादा जा सकता है और ऊपर, बट एज फार एज आई रिमेंबर मैंने इसमें रेज्ड सस्पेंशन ही डाला हुआ है। एक मिनट और आगे जाना पड़ेगा क्योंकि वो टर्न नहीं होगा, नहीं तो क्योंकि अगर मैं वहीं से टर्न करता ना, बैक करता तो पलट सकता था। चलो न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रक ड्राइवर्स इन हिल्स। वही तो, लाइक तुम सोच नहीं सकते। ओ भाई कि कितना हार्डवर्क है ना, रिस्क होता है भाई। एक मिनट मैं हाकूंगा यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली राइट चला गया, तो एक बार ट्रक सीधा कर लेते हैं या फिर वेंच लगा के करते हैं। रुको, विंच ही अगर मैं इस पेड़ को लगा दूं तो, और रुको That went. ये पेड़ को लगा के चलते हैं, ठीक है। गिरने लगा तो बेंच खींच लेगी एकदम से। सही है ना आइडिया? अभी थोड़ा सा और आगे जाना है इसको लगा के, एंड देन बैक साइड का विंच लगा सकते हैं। It's too hard, पर मुझे करना ही करना है। स्टेबल हुआ क्या? हाँ बस एक बार स्टेबल हो जाए। अब पीछे का वेंच लगा के ना, आई कैन डू दैट। अभी थोड़ा सा दूर है यार। एक बार उस पीछे का वेंच अच्छे पेड़ को लेफ्ट साइड को लग जाए ना, पीछे का। भाई अभी भी नहीं रेंज में वो। व्हाट? फिर यही करना पड़ेगा जो ये लेफ्ट साइड का वेंच है, इसको इस पेड़ पे लगा के, जैसे अभी करने लगा था मैं। I'll show you क्या हो रहा है अभी। वो वेंच मैंने वहाँ पे लगाया तो ट्रक गिर नहीं रहा है, ठीक है। आगे भी खींच रहा है, गिर नहीं रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो वो ट्रक को सीधा करके रख रहा है विंच, ठीक है। चलो हेलो सर, कैसे सर? बढ़िया सर, आप कैसे सर? काउंटर बैलेंस, यस। जो लोग गेम्स को, जो स्टोरी मोड गेम्स खेलते हैं ना लोग, दे कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि गेम्स बहुत कुछ सिखाती हैं भाई, बहुत कुछ सिखाती हैं। मतलब यू वोंट इवन नोटिस, बट गेम्स बहुत कुछ सिखा जाती हैं। करने को मैं ये दूसरे ट्रक से करता, अब तक तो मिशन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट मिशन के हाफ में होता मैं। बट वो ट्रक इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। जब ये ट्रक इस चीज़ के लिए बना है तो वाई शुड बिग ट्रक्स हैव ऑल द फन। सिर्फ खेलते नहीं, देखने वालों को भी। हाँ, खेलने की तो बात ही नहीं की मैंने, तो गेम्स का सिखाने का बोला कि तुम्हें खेलते खेलते पता नहीं चलेगा, ये बोला था मैंने। देखने वाला तो ठीक है, वो कल्चर तो अब आया ना। I'm just saying कि you'll never notice कि क्या कुछ सिखा दिया गेम ने तुम्हें। Like that game Firewatch, वैसी गेम्स और भी बननी चाहिए भाई। क्या स्टोरी है उस गेम की भाई। I have to do one thing. ओ भाई सीरियसली चढ़ रहा है आराम से, जरूरत नहीं पड़ी। This game on PlayStation Store? Yes. It is. I'm sorry, but I don't want to be distracted. Let me see. You have to go left. And I have to be steady and slow. Hi Harinderjeet. हेलो 418. वो PlayStation पे बोल रहा है तो PlayStation स्टोर पे मिल जाएगी. थैंक यू TC Gaming. I've learned so much on simulator games. It's crazy. I think I can survive on an abandoned island and land flights if I have to. कौन सी गेम ऐसी तुमने खेली? मैं बहुत प्रॉब्लम में आ सकता हूँ अगर मैंने अभी बैकअप नहीं किया, पीछे को नहीं गया तो. चलो लेट्स सी, रिस्क लेते हैं इस बार. प्रॉब्लम ये है कि मुझे वो लकड़ियों तक पहुँचना है. अगर मैं लकड़ियों तक पहुँच गया तो ट्रक सीधा हो जाएगा. अगर उससे पहले टेढ़ा हुआ तो एलबीएन में प्रॉब्लम, जिसके लिए मैं इस तरफ को देखूंगा पहले ही. ठीक है, आई डू दिस वे. राइट, ये इसकी बात कर रहा था. ये लकड़ियों तक आ जाता ना. हाँ अब ठीक है. नाउ इट्स फाइन बॉयज, अब बैलेंस बना रहेगा. आई कैन गो स्ट्रेट टुवर्ड्स दैट साइड बट आई थिंक आई शुड नॉट. और शुड आई शुड नॉट. बिग बॉस नहीं देखता मैंने. बिग बॉस सीजन 3 तक देखा, उसके बाद तो इट वॉज नॉट वर्थ वॉचिंग. सीजन 3 तक इट वॉज फाइन, देखने में मज़ा भी आता था. बट अब तो दे फोकस ऑन झगड़े, कि झगड़े और भी हों, क्योंकि लोगों को मसाला देखने में मज़ा आता है. नो 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 नो. Okay, I'm here. Oh, और भी आगे जा रहा है रास्ता. Oh, अगर हम यहीं से चले जाएं तो बेटर है यार, क्योंकि वो रास्ता और भी ख़राब है. रास्ते से ये भी ख़राब है, बट अगर मैं स्लो जाऊँ तो नहीं पलटूंगा मैं. ओ भाई पहुंच गया. हाय पोटैटो, हाय पोटैटो, कैसे हो? सर्वाइवलिस्ट आर्क, डॉन ऑफ मैन, फ्लाइट सिमुलेटर एक्सेट्रा. फ्लाइट सिमुलेटर ने तो बहुत लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ला दिया होगा कि मैं तो प्लेन उड़ा दूंगा. गलत फ्लैप दबा दिया मैंने, पेडल सॉरी. इवन स्ट्रैंडेड डीप इज़ अमेजिंग. मैंने नहीं खेली इनमें से, फ्लाइट सिमुलेटर खेली है बस. एक्स भी खेली है और 2020 वैल्यू भी खेली है. सेस की एज ऑलवेज. व्हाट अबाउट आज की है रेडबुल और जूस. रेडबुल पी लिया मैंने, जूस पीने का मन नहीं है आज. नॉट इन अ मूड ऑफ जूस. आज सिर्फ पानी है, रेडबुल पी चुका हूँ मैं. अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है रिस्क वाला काम। अभी भी पब्लिक सर्वर आज ओह टेस्ट सर्वर मैंने खेला था, उसमें कुछ नहीं है पोटैटो। एंड वो जो कैट के ट्रक आए हैं दोनों, वो एक ही ट्रक आया एक्चुअली में, दूसरा तो वो है क्या बोलते हैं उसे, फोकलिफ्ट है। और उस इट्स नॉट दैट मच गुड। मैं पहली बार ये ट्रक को मतलब ध्यान से चला के लाया हूँ, नहीं तो मैं ऐसे पहली बार मतलब जैसे ये गेम बनी ने उस तरीके से खेली है मैंने। ओ डॉक्स बन गया यहाँ पर, तो ये पोर्ट बनेगा क्या मतलब? ओहो पोर्ट वाले मिशन आएंगे क्या यहाँ पे? आने चाहिए। बना क्या है पोर्ट? नहीं बट चलो ठीक है, आई एम सपोज टू डू माई जॉब। साइडबोर्ड ट्रेलर कहाँ पे है? यहाँ पे डिस्कवर करके जाता है ना ये साइडबोर्ड ट्रेलर। हाय वंश, व्हाट्स बिहाइंड यू? साइकिल मेरा मौत का दंगल। 2020 इज़ अनरियल, अमेजिंग ग्राफिक्स। ये तो है, मुझे 60 FPS ही आ रहे थे बट मैंने अल्ट्रा पे खेला, 60 भी ड्रॉप हो रहे थे थोड़े बहुत। इट्स सो गुड। मैंने अपने घर के ऊपर प्लेन चलाया, जिस प्लेन में मैं यहाँ पे लोकल 2-3 बार बैठा हूँ वही एग्जैक्ट सेम सेस्ना है 720, वो चलाया भाई। ओके सर्वे पॉइंट कूल। इस ट्रक को यहीं छोड़ देते हैं। मैंने ये सीखा है गेम में कि जो मिशन करते हो उस ट्रक को वहीं छोड़ दो rather than doing anything। पहली बार टक्कर खाया भाई ट्रक मिशन के बाद। स्टॉप इंजन स्टॉप। ओके अब जाते हैं राउंड में। लेट मी चेक नेक्स्ट मिशन क्या है। ये सब हो गए, ये एक रहता सर्विस हब क्वारी में। ये पहले क्वारी में चलते हैं। सर्विस हब डिलीवर टू सर्विस हब फ्यूल कैरियर। ओह ये कब से यहीं पे पड़ा है, मैंने इसमें से फ्यूल लिया हुआ थोड़ा बहुत। ओके इसको लगेगा एक नॉर्मल ट्रक जो इसे खींच सके, तो सिंपल है सर्विस हब के लिए, सिंपल रास्ता है ना। तो एक नॉर्मल सा ट्रक ले जाते हैं कोई। ये कहाँ खड़ा है? ये भी यहीं पे है। ये नहीं, कोई और लेके जा रहा है। कोई नया ट्रक चलाते हैं, उससे लेके आएंगे ठीक है। I'll go to my garage in quarry. Yep quarry में ना मेरा गराज एक नहीं, जिम्नॉट्स में, जिम्नेगॉर्स्क गराज में जाते हैं और एक नया ट्रक चलाते हैं जो मैंने आज तक कभी नहीं चलाया। I landed at बारा बेस। अच्छा मैंने लगाया वही था एक्चुअली में, पर मैं यहीं पे उड़ा के वहीं पे वापस लैंड कर दिया। मैं जाडी को दिखा रहा था एक्चुअली। कैट लेके जाओ इनो टो करने वास्ते। कैट फॉर टो, टो नहीं कर यार पीछे अटैच नहीं होता मामा। ट्रेलर अटैच नहीं होता, अटैच नहीं होता ट्रेलर, ट्रेलर अटैच नहीं होता। मैं इस बंदे को बोल बोल के थक गया हूँ, वो ट्रक किसी काम का नहीं है। वेट और चाचा रेस्क्यू मैं क्या बोल रहा है। हैवी ड्यूटी में HR नहीं, हैवी हैवी में से कोई लेके जाएंगे। ये मॉड वापस कैसे आ गया? व्हाट? ओके मे बी इट वॉज देयर और मैंने नोटिस नहीं किया। ये नॉट अवेलेबल इन रशिया है वैसे। पैसिफिक लेके जाऊँ क्या? रशिया के लिए तो यही बने हुए हैं, इसको रिकवर कर लेता हूँ मैं कि है ही है मेरे पास। ये ले जाता हूँ फिर। नहीं वेट ट्रक स्टोर हैवी ऑफ रोड, इसमें से कोई लेके जाते हैं। ये नहीं 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 ये नहीं चलाया ना मैंने अभी तक, आई डोंट हैव दिस वन, ये चलाया राइट, ये नहीं चलाया अभी तक। और एक्सप्लोर द वर्ल्ड, मतलब ये कहीं पाड़ा ट्रक को रेस्क्यू करना, ये डीएलसी में था। नॉइस, ये एशिया में अवेलेबल नहीं है ट्रक्स। चलो फिर ये लेके जाते हैं, नॉइस कस्टमाइज करते हैं अच्छे से। हेलो चटनी, चटनी में पुल लग गया यार, मैं परना लेके आना सीखा। आई रियली फॉरगॉट, आई एम रियली सॉरी। आज मैं लेके आना सी, मैं याद रखिया सी, ये ना क्या है। कल तो कल पक्का 100% लेके आऊँगा मैं। दिस लुक्स गुड, ओह और दिस लुक्स गुड, यह ज़्यादा बेटर है। यो ओह वो ऑफ रोड था, ये मड टायर है तो मड लेके जाते ना। मैं बेवकूफ़ हूँ यार। चेंड कैसे हैं इसके? ओह मड में, ये मड है ना बस। विंच नो स्ट्रेस, अरे नहीं मेरा खुद का मन कर रहा था यार, और मैं बांधूंगा भी उसे वही स्टाइल में जैसे सुपरनोवा बांधता है ना। मैं क्या ही बोल रहा हूँ, जैसे सबको पता है सुपरनोवा कैसे बांधता है। इस पे मैं क्या लगाऊँ, ये लगा लेता हूँ, खाली खाली तो ख़राब लगता है, ये लगा लेता हूँ। चलो कि फ्लैट बेड लगा लूँ, फ्लैट बेड लगा लेता हूँ। चलो नेवर माइंड मूड स्विंग्स। एक्चुअली मैं क्रेन लगा के भी जा सकता हूँ, बट इस साइड के इसके एंकर्स आ जाते हैं। ये क्या है? सर्च लाइट, और क्या था? रंग तो ठीक है। स्टिकर्स, ये स्टिकर्स बाहर लगाने के लिए भी आ रहे हैं नेक्स्ट अपडेट में। चलो मैसिव टायर्स लगाओ, लाते हैं ये मैसिव 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 लाते। भाई इसने एक वर्ड का सीख लिया, ये सुपर पोटैटो ने मैसिव मैसिव भी करता रहता है भाई, सारा टाइम मैसिव मैसिव मैसिव, सब कुछ मैसिव। नॉट बैड, अच्छा है ट्रक, थोड़ा फास्ट है। मैंने ये देखे हैं जो ऑफ रोड ट्रक्स हैं ना, वो थोड़े फास्ट हैं। मैंने एक्टिवेट नहीं किया ना वो, रुको मैं एक्टिवेट कर लूँ मिशन। क्वारी में ही है। okay. फ्यूल टैंकर वो ऊपर पड़ा है ना, तो ऊपर की तरफ से जाएंगे। इसका ऑल व्हील ड्राइव और डिफरेंशियल लॉक सब टाइम सारा टाइम रहता है, मैंने नोटिस ही नहीं किया। इट्स नॉट एंगेजेबल, डैम। तो इट विल बी गुड विद द ट्रेलर जो फिक्स होता है ऊपर, ट्रेलर उसकी बात कर रहा हूँ। चटनी क्या खेल रहा है आज? अच्छी गाना प्ले, अच्छी गाना प्ले। फ्यूल मैटर्स। एक्चुअली में तुम्हें कन्वीनियंट रहता है ना, तुम बार बार फ्यूल डलवाना नहीं पड़ता तुम्हें। अच्छी एवरेज दे रहा है वैसे, नॉट बैड नॉट बैड है। तो फ्यूल फ्री इसमें, बट वही है बार बार डलवाना पड़ता है। अच्छा ये ला क्यों कर रही है? व्हाट does it become heavier with fuel or load? I don't think so. मैंने नहीं नोटिस किया है कभी, मतलब मुझे फील नहीं हुआ कभी। यू कैन से लोड से तो ऑब्वियसली होता है अनमोल, लोड से तो होता ही होता है, 100% है वो तो। जब ट्रक पे लोड है तो वो बहुत अच्छा चलता है, लोड नहीं है तो वो बहुत स्लिप होता है। लाइक मड में भी अच्छा ऐसे नहीं चलेगा। अगर लोड है तो वो जो ट्रक है ना, तो अभी जो डिलीवर किया मैंने वो कंटेनर, अगर वो ना होता मजाल है मैं वहाँ पानी से ही आगे चला जाता बिना विंच के। वो तो मैटर करता है इसमें बहुत। अब जैसे ये ट्रेलर मैं अटैच करूँगा ना, तो वो ये भी मैटर करेगा। अब वो खींचने लगेगा तो जम के चलेगा थोड़ा, पावर टू वेट जो होता है वो बढ़ जाता है। ये ट्रेलर की मुझे एक ही गंदी चीज़ लगती है, भाई मन मर्जी के मालिक होते हैं, किधर को भी टर्न हो जाते हैं। सॉरी पेड कॉर्ड खेलने लगा, और आज और कल घरों में कल खेलते कॉर्ड, बट मैं ऑफ स्ट्रीम खेलूँगा, ऑन स्ट्रीम नहीं खेलता कुछ, बहुत FPS ड्रॉप होते हैं उसमें। ऑप्शन थोड़ा अच्छा खेल पाता हूँ मैं। सो इफ यू कीप फ्यूल टू हाफ टैंक विद लोड इट शुड गेट मोर पावर। वैसा नहीं है, बट लोड के साथ पावर ज़्यादा बढ़ती है। लोड मतलब पीछे लोड रखा है तो तेरी भी। मैं तो धीरे धीरे सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे पास पावर सप्लाई हो गई है और कैबिनेट पड़ा है अभी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पड़ी हैं हार्ड डिस्क में, उसमें लगा सकता हूँ एक और। मतलब मैं स्ट्रीमिंग पीसी बनाना चाहता हूँ, तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। बस एक प्रोसेसर लूँगा एंड देन छोटा सा कोई ग्राफिक कार्ड लेके, प्रोसेसर यही वाला उसमें लगा दूँगा और इस प्रोसेसर पे स्ट्रीम करने लग जाऊँगा फिर मैं। तुम एक चीज़ बताओ, फनी पार्ट मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि मुझे इधर तो जाना ही नहीं है जहाँ मैं घूम रहा हूँ। अपग्रेड, अब बस मैं प्रोसेसर अपग्रेड करूँगा इसका, और ये जो प्रोसेसर है उसमें लगा दूँगा पुराने वाले सीपीयू में, पुराने वाले कैबिनेट में। न्यू बिल्ड मेक अ वीडियो ऑफ योर सेटअप। न्यू बिल्ड नहीं यार, मैं धीरे धीरे बस इसकी चीज़ें अपग्रेड कर रहा हूँ धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करके, तो जो जो चीज़ें बच रही हैं वो मैं उसमें यूज़ कर लूँगा। ओ भाई तेरे बिन मेरी जान निकलती यार, तेनू सब समझ ना आए। अरे आई ही नहीं। ओ भाई कहाँ फंस गए? ओ वेट मैं बैक नहीं कर रहा था, कर दी ना वही बात। इतनी भी जल्दी नहीं कर रहा बाय द वे, इट विल टेक टाइम जब तक मैं प्रोसेसर लेता हूँ। प्रोसेसर लिया तो मे भी मुझे मदरबोर्ड लेना पड़े तो उसका अलग से खर्चा, तो जब तक प्रोसेसर मदरबोर्ड और रैम नहीं आते तब तक तो नहीं बना सकता। बाकी चीज़ें हैं मेरे पास, कैबिनेट है, पावर सप्लाई है, रैम इसकी वाली उसमें लगा दूंगा और जीपीयू मुझे लेना पड़ेगा बस एक, जस्ट फॉर नॉर्मल ग्राफिक्स। हाय पनीर, पंकज ने भी अपना नाम पनीर रख लिया था, क्यों? सब पनीर बन रहे थे। राजन वालों ने प्राइस बढ़ा दी, ओके। वैसे तो मैंने जब ये व्हील लेना था, जब मेरा एक्चुअली मन हो गया था कि यार लेना ही लेना अब तो कैसे भी करके, तब ये 17,500 तक का देखा था मैंने प्राइस एक बार तो, और जब तक पैसे आए तब तक 25,000 का हो गया था, बट देन आई स्टिल बॉट इट, क्योंकि मुझे पता था कि जो हालात अब सब जगह हो चुके हैं इनके चलते प्राइस कम तो नहीं होने लगा, वही प्राइस बहुत देर तक रहने लगा और वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिलते सुन, स्ट्रीम करेगा चटनी अभी? दिस लाइन्स हिट यू अ लॉट व्हेन यू आर ऑलरेडी इन पेन। भाई मुझे कई बार तो फेक लगती है इतनी पेन वाली बातें, मतलब ऐसे लगता है मजाक कर रहा है तू। इफ़ इट्स रियल देन यू नीड हेल्प। स्ट्रीम करोगे? दुकान खोलूँगा। आई सेंड लव। चटनी कॉर्ड खेलने वाला है फ्रेंड्स, और स्ट्रीम करेगा चटनी स्ट्रीम। तो अगर रेगुलर स्ट्रीम कर ही रहा है, मैं बात ऑफ स्ट्रीम बात करता हूँ एक चीज़ के बारे में, मतलब अभी खेलता तो है ही है ना, तो मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ। आई टॉक टू यू अबाउट इट। जोकर हूँ साहब, मेकअप के पीछे से इमोशंस कहाँ पहचानोगे हमारे। मुझे तो लगा था तुम्हारे में सिर्फ इरेक्ट इमोशंस हैं थोड़े दिन से, वही। आई टॉक टू यू अबाउट समथिंग। ये भी सही है। जीएफ बोलती है इतना गेम मत खेल, छोड़ दो जीएफ, जीएफ छोड़ दो, गेम्स नहीं छोड़ के जाएंगी, जीएफ छोड़ देगी, जीएफ छोड़ देगी, गेम्स नहीं छोड़ेंगी कभी। ये ट्रक यहीं चलना है, स्टेयरिंग भी यहीं रहना है, पीसी ने भी यहीं रहना है। चटनी बोलेगा बोल कौन रहा है, जीएफ छोड़ दे, जिसने खुद ने हल्ला शेरी दी थी। नहीं चल चल कर दे, चक दे चक देगा। ट्रू वर्ड्स ऑफ विजडम। मैं वैसे बोल तो सबके लिए नहीं बोल रहा, बट इट्स जस्ट दैट की फैक्ट है, दी फैक्ट है। क्रूक मूवी याद आ गई, उसमें बोलता है वो गोल्ड विद अ ई, गोल्डी। फैक्ट है जी, फैक्ट है। मना लूँगा उसको तो ही। अरे उसको धीरे धीरे ना बताया कर, लेकिन मैं भी धीरे धीरे बताने लगा था कि इसमें ऐसे, इसमें वैसे, तो इंटरेस्ट पैदा होने लगता है कि ओ। फिर पता चले एक दिन क्या हुआ, ब्लैक चटनी की जगह मुझे वो फूड का नाम लेना, पर वो फूड बताने से ना बहुत कुछ रिवील हो जाएगा। ओ भाई बोल दोगे चटनी, ठीक चैनल का नाम क्या हो जाएगा? न्यू एजेंट देखा, वैलो का देखा मैंने। आप वो कार्डो लगा ले चाहिए, मैं तो कुछ और बोलने लगा था। चलो ये मिशन बहुत देर से पड़ा था। डिलीवर द फैक्ट्री ड्राउंड आइलैंड में फ्यूल कैरियर ट्रेलर है। ड्राउंड आइलैंड में फ्यूल कैरियर ट्रेलर रिपेयर शॉप। वेट व्हाट? सर्विस शॉप कहाँ है? क्वारी में है। व्हीकल स्पेयर पार्ट इसमें से मिलेंगे 3, तो ओके। सर्विस हब देखूँ कहाँ पे है? क्वारी में सर्विस हब यही है ना। आई कैन गेट दैट ट्रक, दूसरा वाला जो है लंबा वाला। मज़ा करेंगे उसमें। कूल, चलो टाइम टू रिकवर ट्रक्स। बोलो टाको बोल रहा था मैं, टाकोस। दूसरा ट्रक कहाँ है? इसी में है ना? यस, इसको भी रिकवर करना है। रिस्टोर होने पे रिपेयर हो जाता है। उस लाइक व्हाट? मुझे सब गराज चेक करने पड़ेंगे, उनमें कहीं ट्रक पड़े होंगे। वो तूने बोला था ना, यही टाको तो उसे पसंद है, मुझे भी, इसीलिए। अच्छा यू प्ले कॉर्ड इफ़ यू रियली वांट। मैं तो बात ही छेड़ के बैठ गया। मैं वॉशरूम जाके आ रहा हूँ, इसलिए बोल रहा था आई विल बी बैक। यू प्ले कॉर्ड, हम देखने आएंगे थोड़ी देर में क्या खेल रहे चटनी भाई साहब। आई विल बी बैक। बेटा अभी तो ट्रक भी नहीं चला रहा, इतना हार्ड क्यों चल रहा है ये? रटे नहीं रखते हैं इसको। और मैं जाता हूँ राउंड में। वेट, एक्टिवेट कर लिया। स्पेयर पार्ट राउंड में मिल रहे हैं, बट इसमें मिल रहा है क्या? नो। और इसमें राउंड में ही है और क्वारी में लेके आने हैं। कूल, हम चलते हैं इसके गराज में। हाय मैडी, ट्रक चला रहे हैं और तो कुछ नहीं। ओह, आई जस्ट नोटिस्ड कि मैंने चेंड टायर डाले हुए तो ट्रक का नुकसान काफ़ी हो रहा था उससे। ये तो इतना भागता ही नहीं था, मतलब नीचे टच होके बहुत लग रही थी ट्रक को। जैसे ये अभी थोड़ी सी लगी ना, अब तक तो बहुत कुछ हो जाता है, इतना भगा रहा हूँ तो। लाइक ये वाला, ये तो बहुत जल्दी हो रहा था पहले। चलता है इतना तो। Can you explain this game? Oh, मैं okay. So जब भी एक ह्यूमन नेचर लगा लो या कैसे भी, जब भी वॉशरूम जाते, मैं अभी वॉशरूम गया था तो एक ख्याल आया दिमाग में कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ वीडियो अबाउट एवरी गेम आई प्ले और एनी वन प्लेज, ताकि जब तुम पहली बार देखो तो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ। You are really fat, just joking, sorry, I know। मतलब अगर नहीं बताते तो ऐसा नहीं है कि मुझे ज़िंदगी भर पता ही नहीं चलता कि मैं मोटा हूँ। It's not like that, I'll never get to know that I'm fat। I have a mirror right in front of me and I don't know why do people say that you're really fat, I'm sorry but I have to tell you because I think you never saw yourself in the mirror। You're really fat, just joking, sorry, nice joke। बाकियों को दिखेगा नहीं। I'll show the comment, wait, I have met you face to face, you're kind of okay। कहाँ में मिले हो तुम मैडी? लखनऊ में मिले हो क्या? Mostly I don't know। बाय द वे, तब मैं जब इवेंट्स पे मिला हूँ सबको, आई वॉज 98 और 99 kgs, नाउ आई एम 115। चंडीगढ़ जीसी, विच वन? 2018 और सॉरी 2018 और 19। वैसे एक्चुअली मैं अनमोल बहुत दिक्कतें आती हैं। आई जस्ट डोंट डिस्कस दीज विद यू। वंस आई लूज़ ऑल द वेट, 115 तो नहीं अब मेरा, वैसे कम है पहले से, बट वंस आई लूज़ ऑल द वेट आई टेल यू गाइस कि मुझे क्या क्या दिक्कतें आई। अभी नहीं मुझे डिस्कस करना, बट आफ्टर आई लूज़ एवरीथिंग सो दैट जब लूज़ कर लूँगा तो पीपल गेट मोटिवेटेड कि इसने भी किया, अगर इसे दिक्कतें आई तो। I'll tell you क्या दिक्कतें आती हैं and fat people could relate 100%. मैं कभी इतना मोटा नहीं हुआ लाइफ में. I've been maximum to मतलब जब मैं average weight बढ़ता था 87 तक बढ़ता था 88 87 मैं कम कर लेता था but this time हदें पार हो चुकी हैं. 2K19 तो GC Express था वो. Yeah, everyone knows what's good for them. It's just that I have reasons why I'm fat. I don't want to discuss those reasons क्योंकि it's senseless to talk about such things. क्योंकि वही बात आ जाती है ना कि you don't know what I've been through and all. मुझे वो सब यहाँ पे नहीं करने हैं तो चलेगा. I was 82 2-3 months ago and I'm 74. तो अच्छी बात है तुमने वर्कआउट वो भी लॉकडाउन वगैरह चलते ही तुमने वर्कआउट किया. दैट्स गुड. मैं इसलिए बस बात नहीं करता इस बारे में. बस जब अचीव कर लूँगा चीज़ तो उसके बाद बात करेंगे ना. अभी तो आई एम फैट दैट्स इट. आई हैव टू एक्सेप्ट इट अगर कोई बोलता भी है तो. बाकी काम जा रही है बॉयस. ट्रक की जान निकली पड़ी है. आर यू ऑन दो मतलब नहीं मैं ऑफ हूँ यार. आर यू ऑन इट? यस आई एम. I was 81 before lockdown, now 89. बहुत गंदी चीज़ है वेट गेन हरिंदर, बहुत गंदी चीज़ है. ट्रस्ट मी बहुत गंदी चीज़ है. वन ऑफ द टफेस्ट थिंग इज टू लूज वेट गेन. तुम खाए जाओ तुम गेन कर लोगे पर लूज़ करना बहुत मुश्किल है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स रियली हार्ड. इतना हार्ड है कि तुम्हारे दिमाग में चीज़ें रहनी बंद हो जाएंगी. जैसे अब मैं व्हीकल स्पेयर पार्ट लाया ही नहीं. मैं सीधा ही मैप में आ गया जहाँ पर डिलीवर करना था सामान तो लिया नहीं. आई गॉट कैरिड अवे एंड गेन नहीं होता. अरे बॉडी टाइप पे भी तो डिपेंड करता है ना. और हो जाता है यार तुम बर्गर पिज़्ज़ा खाते रहो उससे ही बढ़ जाता है. विच इज़ नॉट हेल्दी बट गेन तो होता है. मेरा उसी से बड़ा है टू बी ऑनेस्ट. सबको पता उसी से बड़ा मेरा. मतलब तुम्हारा कम है ना. यू शुड फील लकी कि तुम्हारा कम है और बढ़ता नहीं है. So everyone has their own journey. I'm sure you will make Diljit Dosanjh look ugly when you put your mind to it. Oh my. मेरे कंधे भारी हो गए इतनी जिम्मेदारी. हेलो थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी दो फुटबॉल. देन माई फ्रेंड सेड वेट गेन करके पतला हो फिर बॉडी अच्छी बनेगी. वेट गेन करने के बाद अगर बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग एंड ऑल वो करो तो बॉडी अच्छी बनती है. गेन करके पतला होने में कुछ नहीं होता. तो गेन कर लिए कम कर दिया. मेरा तो पैराथन ने बेड़ा गर्क किया है. पैराथन क्या है भाई? आई डोंट नो व्हाट इज पैराथन. मैंने पैरागॉन पढ़ा उसे एंड यू नो क्यों मैंने पैरागॉन पढ़ा एंड आई एम सॉरी इट वाज नॉट पराठों ने ओके नेवर माइंड। पराठे आलू के पराठे मैं बात समझ में आया। तुम्हारे हाथ है, तुम्हारा मुंह है, तुम्हारे दांत है, तुम चबाते हो, तुम्हें पता, दिमाग को भी पता है, पेट तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। आई वोंट से एनीथिंग एल्स। दिस इज द टर्न राइट, इट शुड बी। वेट, ये तो वो जगह है। ओहो ये वो जगह नहीं है एक्चुअली, मैं गलत टर्न ले रहा हूँ। नेवर माइंड। वो जगह का मतलब एक पीछे और जगह है जहाँ पे ट्रक फंस जाता है और मुझे ये नहीं लेके जाना वहाँ पे, इसलिए मैं घबरा गया था। फिर तो गेन ही गेन होता रहे, लूज कुछ नहीं हुआ। अच्छा फिर वेट, तुमने गेन करना शुरू किया तो तुम ओके वेल ओके करना है। पंजाब वाले तो भाजी जल्दी गेन कर जाते हैं, अपना खाना पीना ही बहुत हैवी होता। वही तो यार, तुम पता है जैसे यूजुअली हर कंट्री में ना जो खाना होता है वो वहाँ के मौसम के हिसाब से लोग खाते हैं, ठीक है। बट इंडिया ऐसा है जहाँ पे कुछ भी खाते हैं, मतलब डजंट मैटर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे मीट बहुत खाते हैं, क्योंकि मीट गर्म होता है तो बॉडी गर्म रहती है, तुम्हें ठंड कम लगती है। और लस्सी अक्रॉस मोर्थर एवरी सेकंड। तो मैं पता है मैंने आज तक जितनी बार दिल्ली गया हूँ शायद ही कभी रुका नहीं होऊंगा। और आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट एंड आई लव दैट थिंग। आई विल शो यू वन थिंग, वेट। Wait. यार कहाँ गए? स्टोरी थी एक, डैम आर्काइव में होगी स्टोरी। जस्ट वेट, यार मिल नहीं रही, आई एम सॉरी। ओ भाई ओ भाई 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 भाई, ये रही। ओ भाई रुको एक सेकेंड। तुम मुझे गाली दोगे बट मैंने भी लिखा था ये, मैं जितनी बार भी जाता था भाई। पहली बार स्टोरी डाली थी मैंने, बट दैट्स रियल लव। वही तो यार, इट्स इररेसिस्टिबल। मतलब अगर ये टाइम जो था ना, मैंने खाया था खाना ऑलरेडी, आई वाज फुल, बट स्टिल मैं धोखा के गया नहीं। ये तो खाना बनता है, ऊपर से वाइट मक्खन, आलू प्याज पराठा भाई, और वो कुल्हड़ वाली चाय। ओ भाई 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 दिल्ली आना पड़ सकता है यार मुझे। पहले क्या था, एक सेकंड, ओवरसाइज कार्गो, अच्छा उसमें है, ओके। बेस स्टेशन रिफ्ट, और रिफ्ट के भी मिशन बाकी हैं अभी। रिफ्ट बाकी सारे रिफ्ट के। ओ भाई रिफ्ट वाले खतरनाक होंगे, देखना। ऑयल रिग ड्रिल, तुम्हारा अच्छा तो, ओ अनवाई गेट इट। तुम क्या खुद की कार में जाते हो क्या? मतलब कि कुछ ज़्यादा सामान होता है, ऐसा कुछ होता है? ब्रेकफास्ट इन मुरथल चैट। तुम आई थिंक यहाँ पे थे नहीं ना जब कॉस्मिक और मैं आए थे। यू वर नॉट इन इंडिया आई गेस। मुरथल आए थे जब मैं और कॉस्मिक। मिलना है क्या? आई कैन प्लान विद कॉस्मिक, हम दोनों आ सकते हैं। हाँ वो मैं फैक्ट्री में तो गया भी हुआ हूँ, तुम्हारी फैक्ट्री में। नॉट इनसाइड फैक्ट्री बट वो आउटलेट में गया हूँ, फैक्ट्री आउटलेट में। बीन देयर। तब वैसे दिन थे कि बस देख नहीं जाते थे भाई। आई स्टिल रिमेंबर भाई। भाई वो दिन किसी को भगवान दे ना। लाइक मेरे डैड ने तो उससे बुरे देखे हैं, पर वैसे भी ना दे जैसे मैंने देखे हैं। आई वाज आउट फॉर एन एग्जीबिशन। और मैं कैसे गया था, लाइक मेरे बुआ एंड मतलब मेरे रिलेटिव्स दिल्ली कज़न को छोड़ने जा रहे थे, तो मैं बैठ गया गाड़ी में साथ में कि मुझे भी जाना है बस। तो वापस आते हुए देवर बाइंग शूज़ एंड मैं बैठा देख रहा हूँ बस उधर। वुड लव दैट एनी टाइम यू से। कॉस्मिक को पूछना पड़ेगा क्या बोलता है वो। पता नहीं जाएगा भी कि नहीं जाएगा। मैं तो आ जाऊँगा, लाइक आई विल सी, आई विल टेक यू नेक्स्ट टाइम और टेल मी When you go। मुझे अंदर से देखना है फैक्ट्री पूरी, और अगर वो माना तो वो भी चल लेगा। कितना बुरा लगता है ना अनमोल, तुमने लिखा ब्रेकफास्ट इन मोसल चैट, नोबडी रिप्लाइज। पर ठीक है, गलतियाँ मेरी भी हैं इसमें, कोई रिप्लाई नहीं करता है तो। देयर आर नॉट पीपल इन द चैट, बट अच्छे दिन आएंगे, वी बिलीव इन दैट। वी ड्राइव इन नाइट ऑल्सो इन गेम्स, येस आई कैन चेंज इट टू नाइट राइट नाउ। यू वॉन्ट मी टू ड्राइव इन नाइट, आई विल डू दैट। वो तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, आई डोंट ड्राइव एट नाइट। देयर यू गो, ड्राइविंग इन नाइट माई फ्रेंड्स, एंड वी कैन गो FPP। They are missing out in life। चलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि पुरानी, अगर मैं नहीं कर रहा है, इट्स द व्हील, मुझे नहीं पता व्हाट्स गोइंग ऑन। It looks funny though. No shit. I know how to fix it, wait. But it's freaking funny. I don't know, it's a glitch of this game. Or किसी game में नहीं होता, इसी game में होता है. I just have to go to another map and come back. इसी game में होता है बस. But it's funny. फिर एक बार होता है, then it's fine. So if you buy this game, don't freak out कि wheel को क्या होगा. तबलाइन बिल्ट व्हील. इसमें इतने बम्प्स नहीं लगते जैसे नॉर्मल गेम में बम्प्स लगते हैं ना, तो वो जो बम्प्स हैं वो ऐसे फील होते हैं जैसे अभी आवाज़ आ रही थी तुम्हें तबला जैसे. पहली बार हुआ मेरी फट गई, हम लाइक गया व्हील ख़राब हुआ ये, अभी देना पड़ेगा वापस. ये लाइव नहीं देख रहा TC Gaming. I think the stream is not live for you, I guess. क्योंकि मैंने कितनी देर पहले बोला था कि मैं ये नाइट मोड कर देता हूँ, बट ये अब थैंक्स बोल रहा है. That's what you thought मोटर गेम. मैंने भी ये सोचा था, पता नहीं मैंने दूसरी गेम्स में चेक किया तो इट वॉज फाइन, पर आई नोटिस कि इसी गेम में होता है, क्योंकि लिटरली इसी गेम में होता है. जब मैप चेंज करते हैं ना तब होता है. आई डोंट नो, कुछ टेरेन लोड होता है तो इट डिटेक्ट्स कि कुछ ट्रक को हुआ है या समथिंग लाइक दैट. तो दैट्स जस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द व्हील टुवर्ड्स द गेम. कैसे क्यों? ओह यहाँ पे वो है ट्री ट्रंक्स हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट आई विल ट्राई नॉट टू चेंज द टाइम. अब से ये गेम का जो टाइम है उसी के हिसाब से हम जाएंगे, लाइट्स ऑन करके एंड ऑल. तुम्हारे पास नहीं है ना अनमोल ये व्हील? यू आर थिंकिंग टू बाय राइट? भूल गया, कल तुम बता रहे थे कुछ तो. अच्छा हाँ, तुम्हारे पास थ्रस्ट मास्टर है ना? माइंड माय बैड. और तुमने ऑर्डर किया है फ्लाइट सिमुलेटर वाला. नेवर माइंड, माय बैड, माय बैड. तो गेट ओके 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 हाँ, आई गॉट द फ्लाइट कंट्रोलर. ओके गॉट इट ऑलरेडी. मुझे अपना एड्रेस बताना और बताना घर पे कब नहीं होते हो और सिक्योरिटी सबसे कम टाइट कब होती है बता देना प्लीज़. थैंक यू. पैक फ्रॉम डिनर. हैव यू डन इट येट? What have you done yet? क्या पूछना चाहते हो पोटैटो? What do you mean? मुझे फर्स्ट लुक ना भी याद आया. यूज़ टू थिंक कि अनमोल वो है एडवोकेट है. अरे सर पता नहीं सर सर कहाँ पे है सुअर एक्सेप्ट क्या 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 न्यू कॉन्टेस्ट इंक्वायरी सर्विस अब ओपन सर्विस अब खुल गई यहाँ पे नॉइस गूजनेक सेमाई ट्रेलर है यहाँ पे फ्लैट बेड ट्रेलर पीछे पड़ा है स्मॉल स्काउट ट्रेलर पड़ा है विच वी विल डिस्कवर and give you the flight controller to use नहीं 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 अरे नहीं नहीं मैं आज तक मैंने एक ही चीज़ लिए यूज़ करने के लिए that was this wheel not this wheel but just the wheel पता नहीं यार मेरा मन नहीं करता किसी से चीज़ें ऐसे यूज़ करने के लिए लेने में because कल को कुछ ख़राब वराब हो जाए तो I don't want कि यार like वो दोस्ती ख़राब होती है समझ रहे हो मैं तो ट्रेलर डिस्कवर कर रहा हूँ इसलिए ऐसे घुमा रहा था नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग टास्क द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ अब हम रिफ्ट मैच मैप में जाएंगे ये वाला मैप इसमें हम गए ही नहीं एक बार भी स्ट्रीम पे तो मैं एक बार भी नहीं गया I've been there मैंने पूरा डिस्कवर किया है लेट मी चेक यहाँ पे कुछ नहीं है ना यप अब इसके मिशंस होंगे और ये बहुत हार्ड मैप है इसमें ट्रक बहुत बार पलट सकता है मतलब यहाँ पर स्काउट का ट्रक स्काउट लाना पड़ेगा एक स्काउट और ये ट्रेलर रेस्क्यू कर लेंगे वहाँ से जस्ट फाइन फिर काफ़ी मिशंस हैं यहाँ के हाय विनीत स्नो मैप ये मैप होने के बाद सारे स्नो मैप ही हैं अगले अपडेट में जो दो मैप और आएंगे वो भी स्नो ही हैं अभी जो फ़िलहाल दो हैं वो भी स्नो है ये दोनों स्नो है लेक ये वाला ये स्नो है तो आई विल ट्राई टू एंड दिस मैप बाय जो अभी चल रहा है इसको मैं कल तक ख़त्म कर दूंगा फिर स्नो मैप में खेलेंगे Alaska, I've done Alaska. It's completed. See, all these are completed. Alaska also. It's completed all the missions. I'll show you. Look, all the missions are done. Just the side missions are available. If you want me to do those, I can do those missions. Stuck in the mountains. सच मिशन स्टक इन द माउंटेन्स ये स्काउट ट्रक निकालना है ट्रेलर पार्क रॉक्सफॉल खाना खा लिया पाजी यस खा लिया थैंक यू सो मच पूछने के लिए नो नेक्स्ट नो मैप्स हाँ अरे वही तो बोल रहा हूँ कि अभी ये रशिया ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद स्नो मैप ही है बाकी एक सेकेंड ना कितना मिशन कर लिया देखो मिशिगन से स्टार्ट किया था मैंने मिशिगन में कितने मिशंस थे क्या कर रहा हूँ मैं क्या ही कर रहा हूँ मैं मिशिगन में नए मिशंस आ गए वेट व्हाट इसमें नए मिशंस कैसे आ गए ओ भाई स्मिथविल ओ आइलैंड लेक के भाई व्हाट उसमें ओके सुपर ऑर्डर ये तो मैंने चेक ही नहीं किया तीनों मैप्स में नए मिशंस आ गए मे बी बिकॉज लोगों ने कर लिया है एंड देन दे वांट देम टू रिविजिट दोज मैप्स चलेंगे फिर तो अब तो बढ़िया बढ़िया ट्रक आ गए हैं वेल न्यू कैरेक्टर का ट्रेलर आ गया मैंने देखा हुआ ट्रेलर कहीं तो किसी पे किसी ने दिखाया था आई मीन कितने में से कितना मैप कर लिया। आई विल शो यू प्रोग्रेस। मिशिगन 73 जो 73% है 72, दैट मीन्स कि जो मेन मिशन है सारे हो गए हैं। मैंने जो नोटिस किया गेम में इसमें 45% हो गया है, तो जब सब मिशन हो जाएंगे इट विल बी 70 एज वेल। ये 6% ही हुआ है, तो मिशिगन अलास्का 73 और 72% है, और ये रशिया 45% है, ये तो 6% है, ये तो स्टार्ट किया था जस्ट। मुझे एक बार फिर से AFK जाना पड़ेगा, जस्ट 2 मिनट में आया गाइस, वेट BRB। Okay, I'm back. Sorry इतना वेट करवाया मैंने। तो मैं मिशिगन फिर पहले ना कर लूँ इसके मिशन, क्या कहते हो? ओके आई एम गोइंग बैक टू मिशिगन। वहाँ पे मैं वहाँ के मिशन पे, ओह कैमरा ऑन नहीं किया मैंने, मिशिगन वापस जा रहा हूँ, वहाँ के मिशन पहले कर रहा हूँ मैं। कुछ नए मिशन आए हैं मैंने नोटिस नहीं किया, तो रिकवर करते हैं सब ट्रक, रिकवर करके ना वहाँ चलते हैं मिशिगन में, मिशिगन। तो मैं गराज चेक करूँगा सारे एक बार कि कोई ट्रक गराज में तो नहीं खड़ा, ठीक है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वारी। यहाँ पे एक फ्लीक स्टार खड़ा है, इसको रिकवर करते हैं। कवर एंड रिकवर एंड रिटेन, साथ में रिटेन भी कर रहा हूँ मैं। ये खड़ा है जब जीत, हाँ रिटेन। इसको भी यार रेस्क्यू करना था, तो इसके लिए कैट बोल रहा था ना, ये कैट ले जाएंगे इसके लिए। चलो कूल, इसके भी हो गए, वेट हो गए ना। यप, अब मुझे चेक करना है अलास्का। पहले इधर चेक कर ले कोई ट्रक तो नहीं है। नोप। ऑन द आइस क्या है ये? यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है ना। ओह, ओल्ड क्रॉसिंग, डेड काम। व्हीकल वाला मिशन नहीं ही दिखा अभी तक। ओके, और अलास्का में चेक करना मुझे व्हीकल्स। मेंटेनेंस ट्रेलर है बस। चलो पैसे काफ़ी हैं, ट्रक को चाहिए होगा ख़रीद लेंगे। विल गो टू यूएस। ओ माय बैड। ब्लैक रिवर के गराज में जाऊँ के लेट मी चेक द मिशंस कहाँ पे हैं। स्मिथविल में है ओवरसाइज्ड कार्गो 2, और ओवरसाइज्ड कार्गो वहीं पे मिलेगा, तो मिशिगन में तो ज़रूरत नहीं आने की, ठीक है। सॉरी, ब्लैक रिवर में आने की ज़रूरत नहीं है, स्मिथविल डैम में तो है ज़रूरत। और इसमें क्या है, टाउन स्टोरेज वो भी उधर से पास पड़ेगा। ड्रमंड आइलैंड 300 मिनट। ओके ओके ओके, बस टाउन स्टोरेज पे आने की ज़रूरत है इसमें, एंड दैट्स इट। फ्यूल भी वहीं मिल जाता है, कंज्यूमेबल्स भी मिलते हैं, सर्विस स्पेयर पार्ट यहाँ मिलेंगे क्या? चलो देख लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो बेसिकली आई शुड गो टू स्मिथविल गराज, और यहाँ पे ट्रक लाता हूँ सारे मैं अपने। चलो बहुत टाइम बाद यहाँ पे आया, बहुत टाइम बाद नहीं है यहाँ पे ट्रक ना। अब यहाँ पे हम ट्रक निकालेंगे, ये वाला लीव करेंगे। ऑलराइट, मॉर्निंग। और कार्गो फ्रॉम शिप, वेयर हाउस कहाँ पे है? यहाँ पे ओवरसाइज्ड कार्गो मिलेगा, ड्रमंड आइलैंड में मिलता है इसका ओवरसाइज्ड कार्गो, क्योंकि ये आइलैंड में मिलेगा ओवरसाइज्ड कार्गो, वो भी। ओ भाई साहब, अबैंडन्ड शिप है यहाँ पे, वहाँ से मिलेगा ओवरसाइज्ड कार्गो। लाना ही यहाँ से है मे बी, आई थिंक, एज फार एज आई रिमेंबर। आई थिंक यहाँ पे भी तो मिलता है ओवरसाइज्ड कार्गो। हाँ यहाँ पे भी मिलता है, ये जो जगह है ना ये ड्रिलिंग साइट, यहाँ पे ओवरसाइज्ड कार्गो मिलता है। बट दिस मिशन इज स्पेसिफिकली ऑफ that abandoned ship, so I have to go from here to here. 2 cargo उठाने, तो मगर स्मिथविल डैम से आता हूँ तो I'll come from here। रास्ता ये वाला तो मैंने बना दिया था, ये रास्ता it's normal, ठीक है। but इस तरफ को आने के लिए मुझे ऑफ रोड आना पड़ेगा यहाँ से। सो ट्रेलर लाने का फ़ायदा नहीं है। ओ भाई इट्स रियली फार। ओ भाई 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 बहुत लंबा मिशन है ये, पता क्यों? अब मैं यहाँ से निकलूँगा एंड देन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डिलीवर करना है, माय बैड। यहाँ से निकलूँगा और मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है। बहुत लंबा मिशन है भाई, चलो करते हैं। बस आई एम नॉट श्योर अबाउट कौन सा ट्रक लेके जाऊँ। अगर मैं 4 स्पेस वाला ट्रेलर लेके जाता हूँ, अच्छा ट्रक लेके जाता हूँ तो रिस्क कम है उसमें। बट अगर मैं एक सिंगल ट्रक लेके जाता हूँ तो आई कैन टर्न आराम से। प्रॉब्लम है तो रियल लाइफ में जो करते हैं, आई विल डू दैट फर्स्ट। रियल लाइफ में क्या करते हैं, यू टेक अ स्काउट ट्रक विच इज़ दिस और दिस, दोनों में से कोई भी लेके जा सकता हूँ। वहाँ पे देखने के लिए क्या चल रहा है, ठीक है। ऑफ रोड टायर डालेंगे इसमें, फिर 1 एंड टू अदर एंड ऑफ द मैप। वही तो फालतू में डाल दिया इन्होंने मिशन, मुझे ऐसे लग रहा है ऐसे मज़े लेने के लिए। चलो मज़े ले लेते हैं, ऐसा चेंड की ज़रूरत नहीं है। स्काउट ट्रक लेके जाते हैं हम, ठीक है, जस्ट टू चेक कि क्या सीन है। ऑफ रोड ज़्यादा स्लिप करेंगे रोड पे, इस पर मोस्टली रोड है तो, और वहाँ पे ऑफ रोड है तो आई विल गो विद मड टायर्स, क्योंकि ऑन रोड पुअर है और ये एवरेज है। ऑफ रोड ही डालते हैं फिर, चलो। मड में एक्सीलेंट है वो, डैम। ऑल टेरेन भी तो अच्छे हैं वैसे। एम आई नॉट गोइंग विद ऑल टेरेन, मड एवरेज है ना इसीलिए। चलो इसका विंच मुझे ऑटोनॉमस डालना है, क्योंकि ये एडवांस्ड से अच्छा इसलिए है क्योंकि जब स्काउट ट्रक पलट भी जाए फिर भी ये विंच काम करता है बैटरी पे। या एक काम करूँ, मुझे अभी जस्ट दिमाग में, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं मतलब मूड स्विंग्स हो रहे हैं मेरे साथ। जैसे मैं ये इनमें से कोई अलग सा, जैसे ये एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बाप रे ये ढूंढना पड़ेगा ट्रक यार। मैंने इसकी फ़ोटो देखी कहीं पे तो अच्छा लग रहा था देखने पे। ट्रक नॉट अवेलेबल नहीं हुआ इससे, बाकी चलो यही ले जाते हैं फिर। चलो कोई बात नहीं, वैसे तो ये भी अवेलेबल नहीं है यूएसए में, बट ठीक है चलेगा। यूएसए में ये कहाँ मिलेगा? डीएलसी आया है वैसे तो, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दैट मीन्स इसी रीजन में है यहाँ पे, ये कहीं पे। लेट मी फाइंड इट देन। मे बी ये बर्फ वाले में हो, है ना? बर्फ वाला भी यूएस का ही है, उसमें हो गया है। चलो कोई नहीं, ये लेके चलता है। दे नीड F1 रैप्टर, वो मेरा ड्रीम ट्रक है रियल लाइफ में। लाइक आई कैन डू एनीथिंग टू गेट दैट ट्रक लिटरली। भाई मुझे इतना सेक्सी लगता था भाई देखने, वो फोर्ड की 2 ही गाड़ियाँ आज तक अच्छी लगी हैं, एक तो वो रैप्टर और दूसरा मस्टैंग। नो बैकग्राउंड म्यूजिक क्योंकि पता नहीं आज मन नहीं किया। क्योंकि मैं सिर्फ रास्ता देखने जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल कैसा रास्ता है। यहाँ से वो जो लंबा ट्विन स्टार है ना ट्रक, वो तो ले जाऊँगा मैं। अच्छा दैट्स ओके। इसके बाद सबसे गंदी लगती है मुझे बाय द वे। चाहिए तो लगा देता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक इफ यू गाइस वांट। ये क्या चल रहा है पीछे, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओह मैंने खुद तो वॉलपेपर इंजन लगा के वॉलपेपर लगाया हुआ, उसी का बारिश चमक रही थी। इट्स बिगर देन एंडेवर ऑल्सो, वो एंडेवर से भी बड़ा है। ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज स्टार्टर 400, मैं 407 बोलता हूँ उसे वैसे पंजाबी में 407। इमेजिन इट ऑन इंडियन रोड्स, फिर तो लोगों की गाड़ियाँ कुचलते जाएगा वो। स्काउट ट्रक हॉर्स पावर आई डोंट नो इसकी कितनी है, नॉट श्योर। हॉर्स पावर लिखी भी होती है कि इधर किसी की भी, आई रियली डोंट नो। अच्छा वो ये टायर डाले, नहीं तो वो दूसरे तो वही स्लिप ही होते रहते हैं। जो छत पे पड़ा है ना इसकी टायर, ये और स्लिप होते रहते हैं बस। यहाँ पे पता चल जाएगा ये मड में कैसे चलेगा। मड आया ही नहीं, बट ये नहीं हटाया इन्होंने यार। यहाँ से रास्ता क्लियर कर तो दिया, यहाँ से तेज़ नहीं निकल सकते, उसमें टकराता है तो नुकसान होता है ट्रक का, धीरे निकलना पड़ता है। यहाँ पे हाई रेंज के डालेंगे। कितना कम फ्यूल खा रहा है ना ये। भाई वो फ्ली स्टार ट्रक है ना जो, जिसमें क्रेन लगी हुई रेड वाली, ये सड़क पे इतना घुमाया मैंने, इतना घुमाया भाई, वो इतना घुमाया इस पे तो भाई एंडलेस। मुझे कई बार ऐसी फीलिंग आती है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस गेम आई माइट स्टार्ट प्लेइंग इट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। बट इस बार सारे ट्रक होंगे मेरे पास। आई विल डू द मिशंस अगेन मे बी। कर सकते क्या ऐसे, पता नहीं कर। यहाँ पे मैंने चलाया हुआ है अनमोल, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे तो मैंने चलाया हुआ है लंबा ट्रक, वो लाया हूँ मैं। मुझे एग्जैक्टली वो जहाँ पे उठाना है सामान वहाँ पे देखना है वो ट्रक फंसेगा तो नहीं। अगर वो फंसेगा तो मैं नहीं लाऊंगा। यहाँ पे चलाया हुआ मैंने, वो इजीली निकल जाता है यहाँ से, तो इजीली नहीं बट आई नो हाउ टू ड्राइव इट हियर। मैं बता दूँ कौन से टर्न पे, वो थोड़ा देख के मुझे टर्न करना पड़ेगा। तुमने देखा हुआ पोटैटो ये वाला मैप जब मैं खेलता था पहले, देखा हुआ। ओके 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 ओके। तभी पता लग गया सी स्नो दे बारे। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको लाना, थोड़ा सा लिटिल बिट। वैसे बहुत लंबा रास्ता है भाई, ये बहुत लंबा रास्ता है, बट जो भी है एक महंगी गेम पहली बार आई हैव सीन इट्स वर्थ बाइंग। जितना इस गेम पे काम हुआ है एंड एवरीथिंग इट्स वर्थ बाइंग। ये टर्न दिस वन इज़ क्वाइट हार्ड वो ट्रक के लिए, क्योंकि ऊपर से घुमा के ऐसे टर्न करना पड़ता है एंड देन स्ट्रेट टू दिस ब्रिज। ये थोड़ा हार्ड है उस ट्रक के लिए, बट इट्स मैनेजेबल। मैंने पहले कई बार लेके गया हूँ मैं। इसमें कौन से ट्रक्स थानू लगता है बेस्ट है फॉर दिस मैप? जो शुरू में मिलते हैं वही अच्छे हैं इसके लिए, बाकी तो यार वो सारे एकदम मर्ड के लिए हैं। ग्राफिक्स यार इससे ऊपर कुछ मिल नहीं सकता फ़िलहाल तो। मैं वैसे हैं ग्राफिक्स तो, मतलब इफ़ आई होल्ड दिस, मैं कितनी बार ये चीज़ कर चुका हूँ बट आई लव टू डू इट। अगर मैं होल्ड करता हूँ इधर ही फ्रेम तो वो लो एनकोड हो जाता है ना स्ट्रीम के लिए। जस्ट लुक एट दिस, लाइक डिटेलिंग हर चीज़ की, गाड़ी की, टेरेन, ये नीचे देखो, ये जो रेलिंग है हर चीज़ की डिटेलिंग। सब बहुत अच्छे हैं। आई होप अगर मैं जैसे स्ट्रीमिंग पीसी बनाता तो ये एक्चुअल जो ग्राफिक्स हैं वो दिखने लगे स्ट्रीम पे, कितना इट लुक रियली गुड एंड दैट्स द रीज़न आई वांट टू डू इट ऑन ट्विच। बेटर क्वालिटी, बहुत बेटर क्वालिटी है। इवन रिफ्लेक्शन, शैडोज, वाटर स्प्लैशेज, सब कुछ अच्छा है। तुम क्यों नहीं खेलते ये गेम? व्हील का वेट कर रहे हो क्या? इज इट लाइक कि व्हील आएगा तो कर लूँगा ये। ट्रेलर वाला इशू सॉल्व कर दे ये लोग। हाँ, उसके पीछे एक्चुअली में ट्रेलर लगना चाहिए यार। वील टू ग्राइंड ऑन दिस एंड फोर्जा यार आई एम स्टिल कंफ्यूज मैं खरीदूँ कि नहीं। मैंने पास तो लिया था, मुझे अच्छी लगी, पता नहीं, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज मैं लूँ कि नहीं। तो वैसे किसी की ऑयली स्किन है, मतलब इट्स अ ऑड क्वेश्चन, बट बहुत इरिटेटेड ऑयली स्किन है। लाइक मेरी इतनी ऑयली स्किन है कि एक टाइम पे इरिटेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी नाक पे जैसे इरिटेशन हो रही है ऐसे इधर ये चीज़ पे, इफ़ आई डोंट रब इट तो बहुत इरिटेट, क्या बोलूँ मैं। उसका सोल्यूशन पता क्या है वैसे ऑयली स्किन का? ऑयली फूड मत खाओ, और मैं आज बहुत खाया है बस। कल कुछ स्पेशल बनाया नहीं था घर वालों ने, ना मैंने बोला, ना मैंने मतलब डिमांड नहीं की ना कुछ, तो आज फिर प्लान बना के चलो कुछ अच्छा बनाते हैं। इट हैड ऑयल, इट्स फ्री विद गेम पास इफ़ यू हैव। हाँ, मैंने खेली, स्ट्रीम भी की थी फोर्जा की, बट गेम पास ले, वही बोला ना, 50 रुपये वाला गेम पास लिया था मैंने, But I'm still not sure if I should buy the game or get the Game Pass again. I'm telling you, बहुत लंबा रास्ता है। यहाँ पे दिक्कत देगा और ट्रक वो। I don't think so I can bring that truck here at all. ये जो जैसे जितने भी रास्ते हैं ना, देखो इसका मतलब है ये ब्रिज है, ठीक है, लकड़ी का, ठीक है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल चौड़ा रास्ता है। फिर उसके बाद ये कलर है जो बहुत पतला रास्ता है और कच्चा रास्ता, ठीक है। फिर एक और है, वेट इफ इट इज देयर आई विल शो। ये तो बहुत पतला रास्ता, मतलब ये रास्ता क्यों ही बोला है ऐसा ये। और ये वाला इट्स फाइन, मतलब यहाँ से ट्रक निकल जाएगा। और ये वालों में से तो निकल ही जाता है अगर तुम्हारे टायर अच्छे हैं तो। तीनों डिफरेंट हैं और ये तो पक्की रोड है ये बाकी की। आई डोंट इवन नो इफ इट हैज़ ऑडियंस बट टू प्ले इट्स इनसेन। आई लव फ्लाइट सिमुलेटर लेवल ग्राफिक्स। फोर्जा के इट हैज़ ऑडियंस, ऑडियंस तो है फोर्जा की। मेरा एक्चुअली मन था क्या कि मैं 10-10 मिनट की वीडियोस बना के डालूँ, बट आई लाइक टू लाइव स्ट्रीम ओनली। मतलब वो लाइव ऑडियंस एंड ऑल, रिस्पॉन्स मिलना, बातें करना, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। आई डू बिलीव, आई माइट बी रॉन्ग, बट जो कॉन्फिडेंस तुम्हारा लाइव स्ट्रीम करने से इंक्रीज़ होता है ना, वो तुम्हारा कभी वीडियोज़ अपलोड करके नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें लाइव कोई मॉक नहीं कर रहा, कोई गाली नहीं दे रहा, सब अच्छे से चल रहा है। जो बुरे कमेंट्स हैं तुम हाइड कर देते हो, डिलीट कर देते हो, पढ़ते नहीं हो, रिप्लाई नहीं करते हो। मैं एक नाम नहीं लूँगा अनमोल, बट एक मेरा फेवरेट यूट्यूबर था पहले, उससे मैंने पहली बार बात की, बड़ा यूट्यूबर मतलब मिलियंस में, उससे मैंने पहली बार बात की। ही टोल्ड मी दैट आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस टू टॉक टू अदर्स। उस दिन से वो मेरा फेवरेट यूट्यूबर नहीं रहा। एंड द गाय हु वाज म्यूचुअल फ्रेंड, आई वाज लाइक हाँ क्या कॉन्फिडेंस है तो उसमें क्या कमी है। इट्स मोर इंटरैक्टिव भाई। अगर मैं वीडियोस डालता तो आई विल डू वन थिंग विच इज़ सॉर्ट ऑफ लाइफ हैक वाला काम, ठीक है, कि वॉइस मीटर डालूँगा। वॉइस मीटर में पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंड मैं ऑटोनॉमस दिखाता हूँ क्या होता है। अब जैसे ये इंस्टॉल हो गया, गिर गया, ठीक है, तो वो जो मैंने विंच लगाया था इसमें इंस्टॉल किया था, इट कैन स्टिल वर्क। अगर इंस्टॉल होता तो विंच डजंट वर्क, ओके, but it can still work, and then you can continue the journey. Now this is a life hack, friends. तो मुझे वो पूरा घुमा के यहाँ से लाना पड़ेगा, so that वो पलटे ना। Cool. वो sad बताऊँगा बाद में, मुझे स्ट्रीम पे नहीं बोलना। एंड ही डजंट इवन नो कि मैं करता क्या हूँ और कौन क्या करता हूँ, कुछ नहीं पता मुझसे। बस उसने बात की थी मुझसे एज अ जैसे सब्सक्राइबर से बात करते हैं, एंड उसको प्रॉबेबली मेरा नाम भी नहीं पता होगा, पता नहीं देखा उसने, नहीं देखा कि क्या नाम से बात कर रहा हूँ मैं। दिस विल बी अ मेस विद द ट्रक। वही वो ट्रक से तो ये बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा यार। से यहाँ तक मैं ले आऊँगा, यहाँ तक तो ले आऊँगा, ठीक है, यहाँ से भी टर्न कर लूँगा, लाइक हो जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। प्रॉब्लम इज़ हियर, यहाँ पे वो टर्न होगा कि नहीं होगा। तो जो यहाँ पे तो तुम्हारी जान निकल गई, वो क्या करेगा। पोटैटो ये जो ट्रक चला रहा हो इसको स्काउट ही बोलते हैं। तुम कौन सा स्काउट बोल रहे हो? वो टैंक सा बोल रहे हो तुम? आई थिंक इट शुड बी फाइन। लाइक थोड़ा धक्का करना पड़ेगा बट हो जाएगा। किसने कुछ नहीं देखा? ट्रेलर या लाना यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है भाई, वो तो काम खराब है। ओ आई हैव बीन टू दिस प्लेस बिफोर। यहाँ पे कुछ तो मिशन था मेरा। और ऊपर से ओवरसाइज्ड कार्गो है भाई। यहाँ पे तो विंच बहुत ज़रूरी है। कैचअप कुछ नहीं, वो जो सबसे बड़ा कंटेनर और डबल वो लंबे वाले ट्रक पे रखता था ना, वो कंटेनर यहाँ से लेके जाना है। हम चेक करने आए हैं कि वो ट्रक यहाँ पे पहुँचेगा भी कि नहीं। आई थिंक सो आ जाएगा बट लेट्स सी क्या बनता है। मैं थोड़ा सामान लोड करके ले आऊँगा उस पर सो दैट। ओ भाई साहब, थोड़ा सामान लोड करके ले आऊँगा सो दैट इट डजंट स्लिप एनीवेयर। यार धंसे नहीं यहाँ पे। Can you carry chains and use them on the way or it has to be set up at the garage? Garage पे carry नहीं कर सकते। It's a good thing वैसे, करना चाहिए था उनको कि मड टायर्स डालो उसके ऊपर तुम चेन लगा सकते हो बाद में। ओके ओके आई डोंट थिंक वो ट्रक ये मोड कभी भी ले पाएगा। ये ट्रक से ये शिप से मुझे सामान लेके जाना है। इट विल बी रियली हार्ड मिशन भाई। चलो यहाँ पे घुमा तो लूँगा, इतनी जगह तो है, ट्रक घूम तो जाएगा यहाँ पे, इतनी जगह है और मड नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। ये शिप से मुझे लेके जाना है कंटेनर। बोट होनी चाहिए थे। इम्पॉसिबल। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं वो ट्रक लाता हूँ, देखता हूँ चलो लाके एक दो बार ट्राई कर लूँगा, नहीं तो फिर मुझे एक ट्रेलर वाला ट्रक लेके आना पड़ेगा जो ट्रेलर भी दिक्कत देगा काफ़ी, क्योंकि वो और लंबा हो जाएगा फिर। हेलो अमनदीप, वधिया वधिया। Impossible. I'll tell you what I can do. ट्रेलर से क्या फ़ायदा होगा? चलो हमने डिस्कवर तो कर लिया, रिकवर कर लेते हैं इसको अभी। जैसे ये मैं बताता हूँ एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना डू। वेट 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 गराज में पहुँचने दो, ट्रक स्टोर पे दिखाता हूँ मैं। एग्जैक्टली दिस वन, ये जो ट्रक है ये ट्रक थोड़ा छोटा है तो मैं इजीली टर्न कर सकता हूँ, बट दिस इज़ हाईवे ट्रक। ये हाईवे का ट्रक है, ये ट्रक उससे भी छोटा है जिससे मैं इजीली टर्न कर सकता हूँ, ठीक है, ट्रेलर लगा के। तो आई कैन गेट दिस वन। इसमें डिफरेंशियल लॉक शायद है, शायद, बट द पॉइंट इज़ कि छोटा ट्रक चाहिए मुझे जिसमें मैं ट्रेलर लगा के ले जाऊँ, कि मैं टर्न करूँ तो ईजी रहेगा थोड़ा टर्न करना यहाँ। फिर आई कैन, शुड आई डू दिस मिशन विद द मॉडेड ट्रक? बताओ। ये मॉडेड है ट्रक, ये उसी का वर्जन है, बताता हूँ, ठीक है। दिस इज़ प्योर पावर गेमिंग, स्पेशल एडिशन सब कुछ लगता है इसमें। गियर बॉक्स इसमें 2500 का लगता है, स्पेशल एडिशन, सब कुछ स्पेशल एडिशन है। और इसकी टायर्स की रेंज इसमें इतने टायर्स आते हैं भाई ओहो 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 ऑन रोड एक्सीलेंट ऑफ रोड एक्सीलेंट लेट्स डू इट देन। ओहो भाई क्या कुछ डाल दिया इन्होंने, और भी कुछ डाल, और भी चीज़ें डाल दी भाई। मॉन्स्टर मड टायर्स भाई 55 इंच डोंट भाई। Just look at this dude. ये आइस एडिशन है, आइस वाले डालते हैं, सब जगह एक्सीलेंट है वो, सब जगह एक्सीलेंट। सस्पेंशन ठीक है, ये नॉर्मल सस्पेंशन, एक्टिव सस्पेंशन है, ये सेमी सस्पेंशन स्टॉक है ये, ठीक है। एक्टिव ऊंचा है, ये रेज्ड है, ये स्पेशल एडिशन फर्म है, ये सॉफ्ट है, और ये स्पेशल एडिशन पिम्प स्टीयर्स। मुझे पता था पोटैटो तो नाचने लगेगा इसको देख के, मैं मॉड के साथ करना नहीं चाहता था, बट दिस विल बी फन, क्योंकि इन्होंने भी तो हमारे मजे लिए हैं। मुझे क्यों लग रहा है पलट जाएगा किधर तो। टायर हो गया, वेंच, इसमें ट्विन मोटर नहीं, स्पेशल एडिशन वेंच लगाते हैं इसमें, डिफरेंशियल ओके, स्पेयर व्हील, रैक व्हील्स, फ्लैटबेड सप्लाईज, ये क्या है मुझे दिख नहीं रहा है ये। पता नहीं दिख नहीं रहा कहाँ पे लग रहा है ये, जो भी है ये। ओ एंगेजेबल ऑल व्हील ड्राइव इसका उस मैप में है। आई कैन पुट ऑल व्हील ड्राइव इन दिस ट्रक। डैम, वो जो लास्ट मैप है ना जो नया आया हुआ स्नो वाला, उसमें ऑल व्हील ड्राइव इस ट्रक का है। सो जो क्या बोलते हैं उसे, अपग्रेड, वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। फ्रेम तो वो तो कुछ नहीं लगाना मुझे, क्योंकि कंटेनर ही रखना है ना इस पर, तो इट्स ओके। लीव गैराज। ओके पिछले टायर ठीक नहीं हुए, वो लाइक ऊपर तक आ रहे हैं। सस्पेंशन देखना ना मुझे। अबे इसके थ्रू अच्छा दिख रहे थे। तो गाइस कौन से मिशन कर 600 लीटर फ्यूल है इसमें। भाई आई गो विद द स्लिम टायर्स, मैं सोच रहा था भाई टू वाइड करते हैं। ओ भाई टू वाइड है ये, गॉट इट। स्पेयर टायर देखना कितने छोटे हैं। भाई Autobots roll out. देखना ये ले जाके देखना एक बार. मैं ये मॉडेड ट्रक है यार, मैं इसलिए यूज नहीं करना चाहता था. इट्स नॉट सपोज टू बी हियर. हूँ तेन कैट पसंद है कि आप पसंद है? By the way, Anmol, I'll show you one thing कि वाइड टायर्स का इशू क्यों नहीं है कुछ. ऑल व्हील मॉड के अंदर डाला हुआ है इन्होंने. ओके, मॉड के अंदर है ऑल व्हील, बट अकॉर्डिंग टू गेम ऑल व्हील अनलॉक्ड नहीं है मेरा. The cat still always daddy. Oh, I forgot. ये मोड तो भूल गया था मैं. Oh, easily मोड़ गया था. Cutting बढ़ गई इसकी. क्या वो पंजाबी में बोल देते कटिंग बढ़ गया, पता नहीं कैसे बोलेंगे. दिस डजंट लुक लाइक स्नोरर एनीमोर. मड में फंसा ही नहीं. ब्रिज से नहीं, मैं नॉर्मली नीचे से लेके जाता हूँ, देखते क्या होता है. ऑल व्हील ड्राइव ऑन करना पड़ेगा स्टिल, विच इज फाइन, कर लूँगा. हाँ, मैं तुम्हें क्या दिखाने लगा था, वेट आई विल टेल यू. तो हमें यहाँ जाना, ठीक है? वी हैव शॉर्टकट. यहाँ से जाएंगे साइड से. और जाऊँ क्या साइड से, बताओ? कच्चे रास्तों से कि नहीं? छोड़ो, नॉर्मल रास्ते से जाता हूँ. स्टीयरिंग वो क्या बोलूँ, स्मूथ लग रहा है क्योंकि टायर्स पे कोई जोर नहीं है ना. बहुत स्मूथ लग रहा है. लाइक आई कैन ड्राइव लाइक दिस, दो उंगलियों से. कैट दे तो ऑलरेडी टायर बहुत बड़े ने ना. बाय द वे, बाकी ट्रक के साथ रिपेयर किट भी होती है इसके. और रिपेयर में 2 व्हील हैं और 800 का रिपेयर. भाई साहब, 4 व्हील एक्स्ट्रा हैं. 6 व्हील मिलते हैं रिपेयर किट में इसकी. यूजुअली एक रिपेयर किट होती है और एक 150 की रिपेयर किट होती है. जैसे 800 तक कर सकता है ना, तो 400 जो भी था. ट्राई दैट स्मॉल कैट इन दिस मैप. स्मॉल कैट, अच्छा वो तो भागता है इसमें, मैंने पहले चलाया हुआ है. बताओ कौन सा ट्रेलर उठाना है यहाँ से, बताओ. ये वर्ष सुनो जिंदा ड्रामा पाकिस्तान नहीं सुना. सुनो चंदा ड्रामा है कोई. ड्रामा देखी है मैंने, पाकिस्तान वाले स्टेज ड्रामा जो होते हैं, बट वो नहीं सुना मैंने, देखा नहीं, मतलब दैट स्पेसिफिक वन. दो लेके आने हैं बाय द वे। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। लास्ट डाउनहिल टर्न विल बी अ मिशन। देखते हैं चलो। हाँ बड़ा वाला कैट नहीं चल पाएगा यहाँ पे। This is too wide for it. But क्या mod बनाया भाई। ये टायर पहली बार देखी है मैंने इस mod में। Mission easy हो गया। By the way Anmol, when you'll play this game, you'll actually get to know कि इसकी प्रैक्टिस कितनी चाहिए। मैं जो easily चलाए जा रहा हूँ सब, it's not at all that easy। Starting में बहुत problem आएगी तुम्हें। And if you want, I can help you with my trucks। ये नहीं mod वाले नहीं, normal trucks। Whenever you get stuck, तो हम co-op खेल सकते हैं if you want। चलेगा एक गेम में तो मैं किसी के साथ भी खेलूँगा को-ऑप। बस मैं अपने करियर में नहीं खेलूँगा, दूसरों की सेव प्रोफाइल्स में खेल सकता हूँ। जय को बोला था, जय आया ही नहीं, बोला ही नहीं कुछ। टोल्ड हिम कि अपनी प्रोफाइल लगा ले या फिर को-ऑप लगा ले। अपने इसमें नहीं खेलने वाला बस मैं। और ट्राई करो डिफरेंट ट्रक्स। उन तो फिलहाल आही मिशन करने लग गया। वाच देख रहे हैं। हो गया था काम। आई वॉन्ट टू सी वन थिंग। खंबा नहीं, मुझे पेड़ पकड़ना कोई, जैसे ये पेड़। ठीक है तोड़ता नहीं है ना। ऐसा तोड़ देगा पेड़। कैसे स्वागत हुआ? अच्छा स्वागत कैसे? व्हाट डू यू मीन? हेलो। As I'm watching, I'll join for co-op. We can make a noob's guide to Sora. Noob master को देख लिया मैंने कितना ही noob रहा है वो। उस दिन तो भाई रॉकेट लीग में ऐसा लाइक मैंने गलती कर दी है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये बंदा गुस्से में है, ये किसी की भी जान ले सकता है। Welcome back सरताज। I'll have my favorite drink, non-alcoholic, no preservatives. Preservatives. एंड बाय द वे अनमोल, तुमने रेसिंग सीट एंड ऑल वो सेटअप मंगवाया क्या, जिसमें पूरा व्हील सेट होता है एंड पेडल्स लग के गियर बॉक्स पूरा? लाइक डू यू हैव दैट और विल यू ऑर्डर दैट? अगर वो करते हो ना, यू विल हैव द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इस चीज़ का। नॉर्मल चेयर पे आई वुड से अगर उस पर खर्चा कर सकते हो तो जस्ट डू इट, नॉट किडिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उस पर एंड इट मेक्स अ डिफरेंस। ड्रिंक्स एल्कोहल एंड ब्लैक बॉटल, किसी को क्या ही पता चलेगा, यू नेवर नो। ओके आगे से मुझे राइट लेना है एंड देन अगेन। टू मच रॉकेट लीग ड्यूरिंग क्वारंटाइन विद ऑल माई फ्रेंड्स, दैट्स ओह, मतलब रिसेंटली तुमने बहुत ज़्यादा खेली है इसीलिए। हमने इतनी नहीं खेली, हमने 20-30 घंटे 50 घंटे मैक्स खेली होगी। ओके अब ऑल व्हील ड्राइव ऑन कर रहा हूँ मैं इसका। अब तो इधर से जा सकता हूँ, नेवर माइंड, लेट्स गो। क्या सेक्सी लग रहा है ना व्यू। आई यूज्ड टू लव दिस वेदर, ये मैप का ये वेदर क्या मस्त लगता था मुझे, ये मैप का ये वेदर। भाई मुझे देख के याद आ गया। आर देयर स्टिल कोरोना केसेस इन इंडिया? यस देयर आर। ये सुपरनोवा का फेवरेट वेदर होता था क्या? नो भाई, आई एम नॉट रॉन्ग। You have the chair, I need to get the mechanical base that creates movement. Wheel shifter and pedals. Already have cage and ultra wide monitor to go. But damn. मैं कुछ बोलने लगा था, फिर मैं रुक गया, फिर मैं सोचा कि चलो comfort level थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तो खोलना ही है, तो मैंने lucky bitch बोलना था तो मैं okay, so it's not that big a deal. Hello, Gato Delays Pasio, if I'm not wrong. I'm very thankful, seriously. मेरे मुँह से वही निकल रहा था, पता नहीं बोल ही देता। Please play in first person for some time. It gives me headaches, so that's why I don't play this game in first person. Hola. मुझे स्पेनिश में एक ही चीज़ आती है, पोएडो दे नो, क्या था, पोएडो दे एंतरार पर फेवर, या दैट्स व्हाट आई, दैट्स ऑल आई नो फ्रॉम इन स्पेनिश। एंड ग्रासियास, ओला, दैट्स इट। होला विद एच, ओके होला। इसकी कौन सी अच्छी है इंग्लिश? Don't tell me that you cannot. I cannot carry luggage on this truck because it's a mod. I never checked. Imagine driving this in real life. Pick up a very new piece of hardware every time I crack a deal. That's where I spend my earnings. Spend my earnings. तुम्हें salary मिलती है क्या अनमोल? बाय थैंक्स. गड्डी चलाओ भाई, गड्डी एफ हो गया यार, एफ हो गया यार. मॉडल ट्रक पे कुछ लेके नहीं जा सकते. लेट मी चेक इफ वी कैन. आई विल चेक एट द नियर बाय सर्विस स्टेशन इफ आई कैन कैरी थिंग्स ऑन इट. Bro, it's God damn it. You take salary, it's professional, but you own it, no? Wait, what? Well, if you don't want to disclose it here, that's okay. बाद में कभी बात कर सकते हैं. I thought नहीं ले रख सकते इस पे यार कुछ. F हो गया यार. I'm gonna sell this one. भाई सस्पेंशन चेक कर लेते हैं. यप, इसमें रेज्ड था तो शुड आई स्टिल गो विद द रेज्ड सस्पेंशन और नॉट, और शुड आई गो एंड चेक ऑल व्हील ड्राइव थिंगी? शुड आई फाइंड दिस इन द मैप, द अदर मैप? एक काम करते हैं, ऑल व्हील ड्राइव इसका ढूंढते हैं. ठीक है, उस मैप में. So this is the map, and wait, so retain kar lo main. So this is the map. There is an upgrade somewhere here. Vehicle upgrade, okay. Which is all-wheel drive for my truck. मैं कोई बात नहीं, बाद में बात करता हूँ. आई एम कन्फ्यूज अभी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पूछूं. लाइक ओके, कुछ नहीं, छोड़ो, बाद में बात करते हैं. बिकॉज इट्स योर पर्सनल लाइफ और यहाँ पे क्या डिस्कस कर. The question is मैं कहाँ ढूँढूँ? Do you want me to look it up कि internet पे कि कहाँ पे upgrade? Do you want कि मैं ऐसे ढूँढ लूँ net पे and then go directly there? Because मुझे upgrade ढूँढने का कोई शौक नहीं है. I can go and literally check where the upgrade is and directly go there. somehow I'll do that. पूछना ही नहीं स्ट्रीम वालों से मैंने. स्नो रनर व्हीकल अपग्रेड्स उसने अपडेट किया क्या? Yes. Sorry, but yes, I'm gonna do it. Okay, ये मैप है. Okay, यहाँ पे अपडेट्स पड़े हैं. Cool. I'll do it off stream. चलो कोई नहीं. क्योंकि सब जगह जाना पड़ेगा ना, इट्स बोरिंग वो जा जाके अपग्रेड्स ढूंढने. चलेगा. अच्छा, आई एम डन विद द टुडे स्ट्रीम. बाबा तुम लोग क्या खेल रहे हो? अगर कुछ ऐसा खेल रहे हो जो मैं स्ट्रीम भी कर सकता हूँ तो आई कैन स्विच टू दैट गेम. बहुत हो गया आज, बहुत खेल ली, 3 घंटे खेल ली. अपग्रेड्स तो हैं अवेलेबल. फिर दूसरा मैप यहाँ जाके खुलेगा ना. या मैं डर गया भाई. डिस्कॉर्ड आप क्या खेल रहे हैं? ये कुछ भी नहीं खेल रहे हैं. इधर क्या खेल रहे हैं? ये अमंग अस खेल रहे होंगे, बट ऑलरेडी 12 लोग हैं वो, जिसमें से एक नहीं खेल रहा. 11 लोग हैं वो. छोड़ो, क्यों तंग करना. स्ट्रीम ही कर रहे होंगे सारे. हैविंग डिनर और नो क्या खेल रहे हैं? कुछ नहीं खेल रहे. मोर पीपल फॉर रॉकेट लीग. 3 लोग बैठे हैं उधर बस. एंड रॉकेट लीग खेलने का मेरा मन भी नहीं है आज. कल खेलते रॉकेट लीग. आज एक्चुअली मैं आई वॉज टायर्ड. मैं बस रेड बुल पिया एंड आई स्टार्टेड द स्ट्रीम. और पी ही रहा था ऑलरेडी मैं स्ट्रीम स्टार्ट करते ही, तो थोड़ी एनर्जी आई तो आई कुड स्ट्रीम एट लीस्ट. थोड़ा सा हेक्टिक था दिन. हेक्टिक क्यों? क्योंकि कल कुछ एंजॉय किया नहीं, आज किया. एंड थोड़ा लेट ही घर आया था. बाकी सामान लाना था थोड़ा बहुत. एंड कल मिलते हैं. आई सी यू टुमारो. एंड कल से आई स्ट्रीम दोपहर में ही है. और ये महीना मोस्टली रोज़ दोपहर में ही करूँगा. स्टीयरिंग व्हील के साथ जितने भी गेम. शाम में वैलोरेंट या कुछ अलग खेलेंगे. I'm gonna shift the stream to afternoon. It's no worries. See you tomorrow, bro. Good night. Take care. Good night. Bye bye. Take care. और मुझे 1-2 calls भी करनी है तो before it's too late मैं कर देता हूँ. आज birthday तो नहीं किसी का? नहीं. Good night, हरिंदर. 418. I wanted to say. Okay, bye bye. कल मिलते हैं दोपहर में. Don't forget to plan Murthal. I'll talk to her, Cosmic. And 20 तो दिसंबर में कहीं बोल रहा था ना, वहाँ आएगा तो तब अलग कर लेंगे प्लान. अभी देखते हैं. I'll talk to him, tell you and then you tell us कि तुम फ्री कब हो सकते हो. Accordingly we'll see. देखते हैं. पहले उसे पूछूंगा कि वो जा सकता है कि नहीं. That's it. इतना सा. और मुझे घर पे भी पूछना पड़ेगा एक बार. Anyway. चलो खैर, हम विदा लेते हैं. बाय बाय. टेक केयर. हैव फन. गुड नाइट. सुबह मिलते हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. ओके ब्रो. बाय बाय.